चलो स्टार्ट करते हैं इलिप्स। ओके हमारा पैरा सर्कल एंड पैराबोला हो गया था, इलिप्स देखते हैं। तो हम लोग बेसिक्स नहीं देखेंगे यहाँ पे, डायरेक्टली इलिप्स के फॉर्मूलेस देखेंगे, इक्वेशंस देखेंगे, ठीक है। तो टू टाइप्स का इलिप्स होता है। फर्स्ट टाइप होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। अच्छा, और दूसरा क्या होता है? वर्टिकल इलिप्स। दोनों इलिप्स का फॉर्मूला सेम होता है, खाली उसमें क्या चेंज होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ए स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स का, एंड फॉर हॉरिजॉन्टल इलिप्स ए इज ग्रेटर देन बी रहता है, एंड वर्टिकल इलिप्स में क्या रहता है? बी इज ग्रेटर देन ए, करेक्ट ना? चलो मैं डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और सब फॉर्मूले, डेफिनेशंस नहीं देखेंगे। डेफिनेशन क्या होता है? जैसे कोनिक का डेफिनेशन होता है वैसे ही इलिप्स का डेफिनेशन हो जाएगा। इलिप्स इज व्हाट? इलिप्स इज लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन इज ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक ना? एक पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ इलिप्स। चलो मैं इलिप्स ड्रॉ करता हूँ। नया नहीं है तुम्हारे लिए, दिस इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स। और इस इलिप्स का इक्वेशन तो तुम्हें पता, ऊपर लिखा है ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। ओरिजिन 0,0 और इसका वर्टाइसेस क्या रहता है? ए, और क्या रहता है? ए डैश। दूसरा वर्टाइसेस क्या रहता है? बी एंड बी डैश, करेक्ट। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होते बताओ? ए कॉमा जीरो, और ए डैश के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए कॉमा जीरो, करेक्ट ना? हेलो। एंड बी के कोऑर्डिनेट्स 0,b एंड बी डैश के 0,-b, बराबर। इसके बाद इसके दो फोकस रहते हैं, तो उनको फोकाई बोलते हैं या फोसाई बोलते हैं, सबके ऊपर प्रोनंसिएशन डिफरेंट डिफरेंट रहता है, तो फोकाई हम लोग बोलेंगे। तो दो फोकाई होंगे इसके, एक का नाम होता है एस, दूसरा क्या रहता है? दूसरा क्या रहता है? एस डैश। कोऑर्डिनेट्स इसका क्या होता है फोकाई का, बताओ मुझे? हेलो, फोकाई का कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा जीरो क्या होता है? ए डैश का क्या हो जाएगा? माइनस ए कॉमा जीरो, बराबर ना? क्लियर। ए तो एस का, एस एंड एस डैश आर फोकाई, एंड उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? ए कॉमा जीरो एंड माइनस ए कॉमा जीरो। अगर एक साथ बोलना है तो प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। सर वहां पे ई क्या होता है? ई एक्सेंट्रिसिटी, नहीं पता है क्या? भूल गया क्या सर? मतलब भूल गया सर, इसके लिए पूछा। हाँ भूल गया क्या? अरे वो जो डिस्टेंस कोनिक क्या होता है? कोनिक इज लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट रेशियो रहता है दैट रेशियो इज कॉल्ड ई, और एक्सेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक। तो अगर वो पैराबोला है तो एक्सेंट्रिसिटी ई का वैल्यू 1 आता है, एंड इलिप्स रहता है तो एक्सेंट्रिसिटी ई का वैल्यू क्या आता है? लेस देन 1 आता है, दैट इज बिटवीन 0 एंड 1। एंड वेन इट इज हाइपरबोला एक्सेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 रहता है, ठीक है। अभी इतना बेसिक्स में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत चीजें और रिवाइज करेंगे हम लोग, डोंट वरी, और कुछ चीजें और रिवाइज करेंगे। ये अभी ये सप्ताह में फॉर्मूला फटाफट दे दूंगा तुम्हें। ये क्लियर? ए कॉमा जीरो एंड माइनस ए कॉमा जीरो याद रहेगा ये सब। नेक्स्ट क्या है और क्या इसमें पैरामीटर था? लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? अच्छा इसमें मैंने कुछ नेमिंग, ए जो ए ए डैश है दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, बड़ा है ना? ए इज ग्रेटर देन क्या था? बी है ना, तो ए ए डैश इज मेजर एक्सिस और बी बी डैश क्या हो जाएगा? माइनर एक्सिस। यहाँ पे देखो ए ए डैश दिस इज नथिंग बट मेजर एक्सिस, और बी बी डैश क्या होता है यहाँ पे?
माइनर एक्सिस और उनका लेंथ चाहिए, तो लेंथ मैं इक्वल टू डायरेक्टली लिख देता हूँ, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा मेजर एक्सिस का, यहाँ पे 2a हो जाएगा ना, देखो ना जीरो से ओ से लेके a तक कितना डिस्टेंस है, a है, और लेफ्ट हैंड साइड में कितना, जीरो से लेके o डैश तक का कितना डिस्टेंस, ओरिजिन से o से लेके a डैश तक का कितना डिस्टेंस है, a है, तो a प्लस a कितना हो जाएगा 2a ना, हेलो a देखो ना a से लेके इतना डिस्टेंस कितना a है, और यहाँ से लेके a कौन सा डिस्टेंस है, a भी a है, तो a प्लस a कितना हो जाएगा 2a ना, क्लियर, ठीक है, तो a a 2a हो जाएगा, और बी बी डैश कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b। अच्छा कोई बोलता है खाली a क्या है, a ही क्या है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, क्या है, लेंथ ऑफ सेमी, सेमी मतलब आधा होता है ना, सेमी मेजर एक्सिस, एंड सिमिलरली b क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ सेमी सेमी माइनर एक्सिस, करेक्ट ना, हेलो क्लियर है, ये सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस, और पूरा अगर लेंथ चाहिए, मेजर एक्सिस का लेंथ विल बी 2a एंड माइनर एक्सिस का लेंथ विल बी 2b। अच्छा अगर तुम एलिप्स देखो तो एलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, तो दोनों एक्सिस को हम लोग एक्सिस बोलते हैं, इसका क्या बोलते हैं, दोनों का एक्सिस जनरली बोलते हैं, और ये पता तुम्हें a डैश मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस हो तो क्लियर है हमें, ठीक है। इसके बाद लेटेस्ट रेक्टम ड्रॉ करते हैं, इसका लेटेस्ट रेक्टम चलो ब्लैक से ड्रॉ करता हूँ मैं, तो इसमें दो लेटेस्ट रेक्टम होते हैं, तो लेटेरा रेक्टा बोलते हैं अगर प्लूरल फॉर्म में जाओगे तो, वो सब जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एल एल डैश बताओ एल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए एक्स कोऑर्डिनेट विल बी ए ही ना, ये परपेंडिकुलर रहता है ना, हेलो यस सर, ये क्लियर है ना, और दूसरा होता है एल माइनस ए, माइनस एल नहीं होता, इसको भी एल वन एल टू एक्चुअली बोलते हैं, चलो इसका नाम मैं कुछ अलग रख देता हूँ, क्या रखूँ इसमें, इसका नाम एल टू रख दूँ, ए एल वन रखते हैं, चलो जाने दो, एल वन एन एल वन डैश एल टू एन एल टू डैश, ओके एल वन जो है उसका कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या क्या हो जाएगा, यही कॉमा क्या हो जाएगा, ये आता है आंसर निकालने पे आता है बी स्क्वायर अपॉन ए, क्या आता है बी स्क्वायर ए, ये याद रखना रहेगा तुम्हें, क्या होता है यही तो हमें पता है डायरेक्टली आ जाएगा, यही फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा मुझे, जो फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही वो होगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ लेटेस्ट वेक्टर के एंड पॉइंट का, करेक्ट, तो ए ही हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और जब हमें दूसरा वाला कोऑर्डिनेट निकालना है तो इलिप्स के इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से वाई का वैल्यू आएगा, जो वाई का वैल्यू आएगा दैट विल बी योर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ लेटेस्ट वेक्टर, क्योंकि ये पॉइंट जो एल1 है कहां पे, इलिप्स पे है, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, तो वहां से हम लोग निकाल सकते हैं, तो वो आता है बी स्क्वायर अपॉन ए, वैसे सिमिलरली ये क्या हो जाएगा बताओ, ए ही कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए होगा कि नहीं, हेलो, और ये वाला देखो, और ये वाला क्या हो जाएगा, L2 में क्या हो जाएगा माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए होगा, और L2 डैश क्या हो जाएगा माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, क्लियर है, ठीक है। अभी क्या मिसिंग है इसमें, हमने डायरेक्ट्रिक्स नहीं ड्रॉ किया है अभी तक, तो दो डायरेक्ट्रिक्स होगा, डायरेक्ट्राइसिस बोलते हैं उनको प्लूरल फॉर्म, तो एक होता है डी, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पैरामीटर ऑफ इलिप्स डायरेक्ट्रिक्स, तो एक का नाम है डी और दूसरा है डी डैश, ठीक है, डी एंड डी डैश, और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर इसका ये सपोज इसको जेड बोलते हैं, जहां पे एक्सिस को कट करता है, और ये जेड डैश है, कोऑर्डिनेट्स लिखना थोड़ा, हाँ इसका क्या होता है ए बाई ई होता है, क्या होता है ए बाई कॉमा जीरो, और ये वाला कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा माइनस ए बाई ई कॉमा जीरो, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई
एंड यहाँ पे क्या इक्वेशन हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस ए बाई ना। हेलो, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। कुछ डाउट नहीं ना? डायग्राम पूरा फिट कर लो दिमाग में सर, में पूरा फिट कर लो, एग्जाम में पूरा दिखना चाहिए एलिप्स तुम्हें, ठीक है? यस सर। क्लियर, चलो आगे आते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद पैरामीटर्स क्लियर हो गया तुम्हें, क्या क्या इक्वेशंस आएंगे इसके। अच्छा, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है जो हमें लिखना पड़ेगा। अभी एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्सेंट्रिसिटी होता क्या है। बेसिकली कोनिक का डेफिनेशन क्या होता है, कोनिक्स इज व्हाट, कोनिक्स इज लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, ये रहा मेरा फिक्स्ड लाइन, ये वाला फिक्स्ड लाइन है वहां से उसका डिस्टेंस, तो ये रेशियो दैट इज locus of point P such that its distance from a fixed point to its distance from a fixed line it always remains constant, that is SP upon PM equal to constant, ये हमेशा constant रहेगा। Suppose यहाँ पे point लिया मैंने, ये वाला distance divided by this distance will be constant, और जो value यहाँ पे दिया रहेगा वही same value। Suppose यहाँ पे value 0.5 आया, तो second वाला distance अगर तुम निकालोगे, यहाँ पे suppose P1 नाम है, तो SP1 upon P1M will be what? ये भी 0.5 होगा। ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता था, ऐसे करके तुम्हारा क्या बन जाता है? इलिप्स बन जाता था। करेक्ट? और इसी रेशियो को बोलते थे एक्सेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं इस रेशियो को? एक्सेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक या एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। और एक्सेंट्रिसिटी को किससे डिनोट करते थे? ई से डिनोट करते थे। क्लियर है इतना? किसी को डाउट है कुछ? हेलो, नो सर। क्लियर, ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए तुम्हें, तो मैं ये रब कर देता हूँ ये बिना काम का वैसे भी, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। ओके फाइन, तो ये तो कुछ और फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमने निकाला, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकाला, सेमी मेजर एक्सिस देखा, सेमी माइनर एक्सिस देखा था, वर्टाइसेस देखा, कितने वर्टाइसेस हैं? चार वर्टाइसेस, ए ए डैश बी बी डैश है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स उनके हमने देख लिए, फोकस का कोऑर्डिनेट्स देखा हमने। अभी कुछ यहाँ से नोट देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, क्या आएगा डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, दैट इज एस एस डैश ना, एस एस डैश कितना आएगा ये डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई। देखो राइट हैंड साइड में डिस्टेंस कितना है, ये वाला दिस डिस्टेंस इज ए, और लेफ्ट हैंड साइड में भी वही डिस्टेंस है ए, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, टू ए, करेक्ट। हेलो, क्लियर है ना ये डिस्टेंस। सेकंड डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट राइसेस, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट राइसेस, बताओ क्या होगा, दो डायरेक्ट्रिक्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा जो दोनों डायरेक्ट्रिक्स दिया, 2a अपॉन e, यस करेक्ट, 2a बाय e, डायग्राम से देखो ना, a बाय e, a बाय e, तो दैट इज 2a बाय e, क्लियर। थर्ड, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा बताओ, दिख रहा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, हेलो, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस ना, ऊपर का डिस्टेंस क्या वाई कोऑर्डिनेट होगा, दैट इज बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, दैट इज टू बी स्क्वायर अपॉन ए, करेक्ट कि नहीं? हेलो, समझ में आया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर ए, दैट इज टू बी स्क्वायर अपॉन ए, याद रखना ये फॉर्मूले, ठीक है ना।
ये हो गया लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मैं नहीं लिखूंगा, पता है ना x equal to a by e and x equal to minus a by e ऑलरेडी लिखा हुआ है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तुम्हें पता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। फोर्थ ओके दिस इज इम्पोर्टेंट, नाउ एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, या फिर मैं पहले ये लिखता हूँ रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। इसके बीच में रिलेशन, तीनों के बीच में ए बी एंड ई क्या है रिलेशन? दिस रिलेशन इज नथिंग बट बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर दैट इज माइनर एक्सिस का स्क्वायर है इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये याद रखना है तुम्हें। क्या होगा बी स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है ना। और यहीं से एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आ जाता है। अच्छा बताओ ई का वैल्यू क्या होगा यहाँ से, अगर एक्सेंट्रिसिटी ई स्मॉल लिखता हूँ ताकि एक्सेंट्रिसिटी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से फॉर्मूला अगर लिखोगे तो रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ये देखो बाहर लिख रहा हूँ, रूट के बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है रूट के बाहर लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर? हेलो, ये समझ में आया क्या? यस सर। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्लियर है, वो ऊपर से ही आता है, देखो ना ऊपर से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करोगे तो आ जाएगा, ई का फॉर्मूला आ जाएगा, वही चीज है। वो रिलेशन बिटवीन ए बी ई इज नथिंग बट एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला वहीं से आता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेंट्रिसिटी हो गया ना, यस। इसके बाद मैं डायरेक्टली लिखूंगा, डायरेक्टली यहाँ पे तो सब कुछ खत्म नहीं हो पाया, चलो सिक्स वाला भी लिख लेता हूँ। एक्सेंट्रिसिटी खत्म हो गया ना तुम्हारा, और कौन सा पैरामीटर? सेंटर, सेंटर क्या होगा इलिप्स का, इस इलिप्स का जाने तो इधर ही लिख देता हूँ, दिस इज सेंटर। सेंटर क्या है इलिप्स का? 0.0 बराबर ना, सेंटर क्या है इलिप्स का? 0.0 सेंटर इज नथिंग बट जहां पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और सिक्स पॉइंट फोकल डिस्टेंस निकालो, फोकल डिस्टेंस क्या होगा? फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी x1, y1। एक्चुअली फोकल डिस्टेंस क्योंकि दो फोकस है ना, तो दो फोकस से दो डिस्टेंस आएगा, तो दो डिस्टेंस आता है फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, दैट इज पहला आता है एसपी। एसपी इज नथिंग बट ए माइनस ई एक्स वन आता है। क्या आता है? ए माइनस ई एक्स वन आता है, और एसपी डैश आता है, एसपी डैश आता है ए प्लस ई एक्स वन आता है। क्या आता है? एस पी क्या, सॉरी उल्टा हो गया, एस पी डैश नहीं होता है वो, एस डैश पी होता है क्योंकि फोकस इज एस डैश ना। तो एस पी क्या होगा? ए माइनस ई एक्स वन एंड एस डैश पी इज नथिंग बट ए प्लस ई एक्स वन। क्लियर है फोकल डिस्टेंस? हेलो, फोकल डिस्टेंस क्लियर है? यस सर। अच्छा थोड़ा सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस करो ना, इसका सम करो, इन दोनों को ऐड करो ना, इस फोकल डिस्टेंसेस को ऐड करो। अगर मैं फोकल डिस्टेंसेस ऐड करता हूँ, देयरफॉर एसपी प्लस एसपी डैश एस डैश पी क्या होगा? एसपी प्लस एस डैश पी कितना होगा बताओ? 2a। 2a होगा ना, दैट इज सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट ऑन इलिप्स इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। बराबर, ये 2a क्या है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है ना कि नहीं? 2a इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो सम ऑफ डिस्टेंसेस या सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट ऑन इलिप्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो यहां से इलिप्स का दूसरा डेफिनेशन बनता है, दूसरा डेफिनेशन भी लोग बोलते हैं कि इलिप्स इज लोकस ऑफ पॉइंट्स सच दैट
The sum of its distances from two fixed point always remains constant. बराबर ना, major axis तो fix रहेगा ना, जो length है उस particular ellipse के लिए. तो इस केस में क्या होगा, कोई भी पॉइंट ले लो एलिप्स पे, कोई भी पॉइंट ले लो, उन अगर वहां से फोकल डिस्टेंसेस निकालोगे, दोनों फोकस का डिस्टेंस निकालोगे और उसको ऐड करोगे, दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट, sum of focal distances of point P x1 comma y1 is equal to length of major axis. हेलो, समझ में आया ये, क्लियर है ये पूरा? सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस क्लियर है? तो अगर बेसिकली ये होता क्या है, अगर मैं इसका तुम्हें थोड़ा सा विजुलाइज कराऊं, मेरे पास एक इलिप्स है, दिस इज माय इलिप्स, ठीक है ना. यहाँ पे तुम्हारा दो फोकस है, एस एंड एच डैश. अभी इस इलिप्स में कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, सपोज मैंने पॉइंट यहाँ पे लिया, तो ये वाला डिस्टेंस, सपोज दिस इज पॉइंट पी, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, एच डैश पी, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, दैट इज 2a के बराबर होगा. समझा कि नहीं? तो अगर मैं एच डैश पी करूं प्लस एस पी करूं, दैट विल बी इक्वल टू 2a. सपोज मैं यहां पे पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट प्लस ये पॉइंट, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 2a होगा दोनों का सम. समझा कि नहीं है? कहीं पे भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे पॉइंट लिया, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2a. क्लियर है ये बात? इलिप्स पे कहीं पे भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे पॉइंट लोगे तो भी ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये क्या होगा, 2a होगा. यहाँ पे भी ले लो तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू 2a होगा. क्लियर? हेलो, ये पूरा क्लियर है ना? तो यहाँ से इलिप्स का दूसरा डेफिनेशन बनता है, दैट इज लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट. ऐसे मतलब ये पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, दो फिक्स पॉइंट है, और मैं एक पॉइंट पी रैंडम पॉइंट लेता हूँ, सच दैट इसका डिस्टेंस ए प्लस ए हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये प्लस ए कांस्टेंट रहता है, ये प्लस ए कांस्टेंट रहता है, फिर से ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कांस्टेंट. तो ऐसे ढेर सारे पॉइंट्स बनेंगे और वो जब पॉइंट्स तुम ड्रॉ करोगे, दैट विल बी नथिंग बट योर इलिप्स, ऐसा कुछ इलिप्स बन जाएगा. समझ में आया? तो दिस वॉज ऑल अबाउट इलिप्स का मतलब सिंपल डेफिनेशन क्या था. क्लियर है? ये क्लियर है ना तुम्हें? चलो और कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं हम लोग, और क्या पॉइंट देखना हमें. ये सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस इक्वल टू मेजर एक्सिस तो हमने देख लिया, और क्या पेंडिंग है, कुछ बता सकते हो? तुम्हें क्या लगता है और क्या हमें पता करना चाहिए इलिप्स के बारे में? हेलो, हॉरिजॉन्टल इलिप्स के बारे में और क्या पता करना चाहिए, और कुछ मिसिंग है जो तुम्हें पता हो? पढ़ने के लिए बोलता हूँ ना, कुछ पढ़ के नहीं आते हो क्या? चलो देखते हैं. अभी नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसका, अरे इसका ये भी तो चाहिए मुझे, इसका इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ इलिप्स, कौन सा इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन. अरे ये इलिप्स बोला तो इससे पता नहीं चलेगा तुम्हारा ये वर्टिकल इलिप्स है या हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, वो डिपेंड किसके पे करेगा, ए और बी के वैल्यू पे. तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल था, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, और क्या है एक्स इक्वल टू, बताओ क्या होता है इलिप्स का इक्वेशन, एक्स इक्वल टू पैरामेट्रिक इक्वेशन ए कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू बी साइन थीटा, ठीक है. पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन होता है. ये समझ में आया तुम्हें पैरामेट्रिक इक्वेशन? हेलो, क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं.
पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ इलिप्स क्लियर है। अच्छा ये तो स्टैंडर्ड इलिप्स था ना जिसका फोकस सॉरी जिसका सेंटर कहाँ पे था, ओरिजिन पे था। अगर सेंटर ओरिजिन पे नहीं रहता है, h कॉमा k पे रहता है और एक्सिस पैरेलल रहती है, एक्सिस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस ऑफ इलिप्स आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? एक्सिस ऑफ इलिप्स इज एक्सिस ऑफ इलिप्स बेसिकली बोलेंगे, एक्सिस ऑफ इलिप्स इज पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट मींस इलिप्स का जो एक्सिस रहेगा वो एक्स एक्सिस को एक पैरेलल रहेगा और दूसरा एक्सिस किसको पैरेलल रहेगा, वाई एक्सिस को पैरेलल रहेगा, देन इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा? लेकिन उसका क्या होगा, ओरिजिन शिफ्ट हो गया, मतलब सॉरी उसका सेंटर शिफ्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नया इलिप्स, पहले ये इलिप्स था ठीक है ना, मैं इस इलिप्स को जो अभी इलिप्स ड्रॉ किया है इसको शिफ्ट करके इधर शिफ्ट करके आई थिंक वो कटेगा नहीं, और ये शिफ्ट करके मैंने एक ऐसा सेम इलिप्स ऐसा बना ताकि उसका एक्सिस पैरेलल ही है। देखो ना अभी भी एक्स एक्सिस जो ए वाला एक्सिस है, मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और माइनर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो अगर एक्सिस रिमेनिंग कांस्टेंट करके शिफ्ट करोगे और उसका सेंटर अभी नया सेंटर क्या बन गया, सपोज एच कॉमा के है, तो इस इलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, इस इलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा अगर सेंटर शिफ्ट हो गया तो, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वही है हमारा x माइनस क्या हो जाता है वो x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन में। तो हमारा इसको स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हैविंग सेंटर, हैविंग सेंटर सेंटर एट एच कॉमा के एंड एक्सिस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसका एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल रहेगा तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा ठीक है ना, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर सॉरी वाई माइनस के आएगा यहाँ पे वाई माइनस के अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है क्लियर है ये? और इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ कोई, इसका अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन चाहिए तो क्या हो जाएगा, साइड में लिख दो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन, इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू एच प्लस ए कॉस थीटा एंड y इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा, ठीक है। जनरली ये सब यूज नहीं होगा ये पैरामेट्रिक इक्वेशन इसका, तो ये वाला फिर शिफ्टिंग वाला अगर आ गया एग्जाम में तो भी याद रखना है तुम्हें, ठीक है याद रहेगा कि नहीं? ठीक है इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन, ओके फाइन। तो यहाँ पे बस इतना ही था इलिप्स का, आई थिंक और कुछ है इलिप्स से नहीं, हॉरिजॉन्टल इलिप्स से कुछ नहीं है, वर्टिकल इलिप्स का आप खुद से तुम कर सकते हो। हेलो कुछ बोलोगे, वर्टिकल इलिप्स का ड्रॉ कर सकते हो, इससे चीजें बता सकते हो। चलो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ खाली और मैं उसको रब कर दूंगा, ठीक है। वर्टिकल इलिप्स कैसा रहता है, उसका इक्वेशन क्या होता है वर्टिकल इलिप्स का, सेम ही होता है, सेम इसके जैसा ही रहेगा। इसका इक्वेशन क्या होगा वर्टिकल इलिप्स का, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, और इसमें ए इज लेस देन बी होगा, ठीक है। इसमें मेजर एक्सिस क्या होगा वर्टिकल इलिप्स में, दिस इज नथिंग बट ए ए डैश, दिस इज बी बी डैश, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज सेंटर जीरो कॉमा जीरो, ए के कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा जीरो, बी के ए डैश के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए कॉमा जीरो, जीरो कॉमा बी एंड जीरो कॉमा माइनस बी, इतना तो क्लियर रहेगा, ठीक है ना। फोकाई कहाँ पे रहेंगे, अभी वाई एक्सिस पे फोकाई चले जाएंगे दोनों,
इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, 0, BE हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, BE एंड 0, -BE, y एक्सिस पे है ना, तो x कोऑर्डिनेट विल बी 0, 0, BE, कोई बोलेगा कुछ, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, चलो लेटेस्ट रेक्टम मैंने ड्रॉ किया, बताओ लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स बताओ, इसका x कोऑर्डिनेट बताओ, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, नहीं बी y कोऑर्डिनेट बताओ, अच्छा पहले y कोऑर्डिनेट विल बी BE, x कोऑर्डिनेट बोलो, ए चलो l नाम देता हूं, l का l1 बोलता, l1 का x कोऑर्डिनेट बोलो क्या होगा, अच्छा वहां पे पीछे क्या था, हॉरिजॉन्टल एलिप्स में क्या था, b² / a था, देखो ना b² / a था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² / b हो जाएगा, बस उल्टा हो जाएगा। Similarly, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बताओ, -BE हो जाएगा, नहीं सॉरी b, ये तो फिक्स रहेगा ना, y कोऑर्डिनेट विल बी x कोऑर्डिनेट -a² / b, करेक्ट, बाकी ये नीचे का लिख दोगे उसके बाद, ये क्या हो जाएगा, दैट इज -BE a² / b, x कोऑर्डिनेट तो फिक्स, -a² / b, -BE, समझा कि नहीं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2a² / b, वहां पे 2b² / a था, यहाँ पे हेलो, तो 2a² / b हो जाएगा, समझा लेटेस्ट रेक्टम कि नहीं, सर क्लियर है, लेटेस्ट रेक्टम तुम्हें समझ में आ गया, इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन, अगर यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स ये रहेगा और एक नीचे डायरेक्ट्रिक्स रहेगा ना, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बोलो, y = b/e, हेलो क्लियर है ना, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन y = -b/e होगा, ठीक है क्लियर, और क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई बोलो, SS' क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2BE, करेक्ट ना, yes, और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, 2B/E, करेक्ट ना, 2B/E, हेलो यहाँ तक क्लियर है, चलो आगे चले, और कुछ इसमें बचा है, इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगा, सेम होगा, x = a cos θ y = b sin θ, पैरामीट्रिक इक्वेशन सेम रहेगा इसका भी, और सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस विल बी ऑलवेज कांस्टेंट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस क्या होगा यहाँ पे, 2b हो जाएगा ना, ध्यान दो मेजर एक्सिस क्या है इसमें, 2b है, तो ये 2b, अच्छा और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, और एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बच गया, e का फॉर्मूला क्या होगा इस केस में, उसमें क्या था, a² - b² / a था ना, तो दिस विल बी b² - a² / b होगा, जो बड़ा रहेगा ना उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, b² - a² / b, क्लियर, हेलो, एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला देखो क्या लिखा मैंने, e = b² - a² और रिलेशन बिटवीन ए बी क्या हो जाएगा, इससे अगर निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पे a² = होता है b² - 1 - e², वहां पे क्या था, वहां पे b² था, b² = क्या था, a² - 1 - e² था, बराबर, दिस इज फॉर वर्टिकल इलिप्स, और एक इसके लिए था, ये वाला हॉरिजॉन्टल के लिए था, बराबर कि नहीं, बस इतना ही पर इतने ही तुम्हें पैरामीटर्स एट्रीब्यूट्स याद रखने हैं, क्लियर, तो ये मैं रब कर देता हूं, तो चलो मैं ये डिलीट कर देता हूँ सब, ओके फाइन, आ जाते हैं आगे चलते हैं, चलो क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्या इसका, फिर बाद में आके हाइपरबोला नीचे लिखता हूँ मैं, यस सर, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो फिर बोर हो जाओगे, थियरी पढ़ पढ़ के, मैं हाइपरबोला तब तक हेडिंग डाल के जाता हूँ, एक्चुअली
उसके बाद हाइपरबोला देखेंगे, जगह तो नहीं है यहाँ पे बट एडजस्ट करेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस कहाँ से हमारा पेंडिंग है अभी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट इलिप्स का ही क्वेश्चन रहेगा डायरेक्टली। ओके क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आ जाओ। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, क्या हुआ एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट राइसेस बी थ्राइस द थ्राइस द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई देन द एक्सेंट्रिसिटी। अच्छा मैंने एक चीज, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुम्हें नहीं बताया अभी तक, बेसिकली मैं सोचा तो हाइपरबोला होने के बाद बताएंगे। देखो एक्सेंट्रिसिटी हमने कितने कॉनिक्स पढ़े हैं, चार, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो चारों का एक्सेंट्रिसिटी क्या क्या होता है, हाइपर सॉरी पैरा इलिप्स का, चलो सर्कल से स्टार्ट करो, सर्कल का एक्सेंट्रिसिटी जीरो होता है एंड पैराबोला का एक्सेंट्रिसिटी, पैराबोला का एक्सेंट्रिसिटी कितना होता है कोई one. बताएगा, वन होता है, बताया था ना वहां पे डिस्टेंस इक्वल होता है मतलब रेशियो क्या हो जाएगा वन आ जाएगा। और इलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी लेस देन वन होता है, अभी मैंने बोला था लेक्चर में। एंड हाइपरबोला क्या होता है, दैट इज ग्रेटर देन, इलिप्स का लेस देन वन मतलब जीरो से वन के बीच में है, माइनस में नहीं होता एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, या फिर जीरो होता है सर्कल की जैसे। चलो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट क्राइसिस बी द थ्राइस, इलिप्स का पूछा ना फोकाई, तो इलिप्स के डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट क्राइसिस क्या होते हैं बताओ, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट क्राइसिस ए बाई ई था ना, तो टू ए बाई ई होता है ना डायरेक्ट की नहीं, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट क्राइसिस इज 2a by e, इस थ्राइस द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फोकाई के बीच में डिस्टेंस कितना होता है 2a ही होता है ना, और उसने बोला 3 टाइम्स है, करेक्ट, देखो मैंने बना दिया ये समझ में आया, बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 2a से 2a कैंसिल हो गया, e स्क्वायर इक्वल टू 1 by 3, दिस इंप्लाइज e इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, माइनस नहीं होता है, सी इज द आंसर। चाहिए तो नोट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तुम्हें याद रहेगा कि नहीं, जगह मिला है तो लिख देते हैं। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ कॉनिक्स दैट इज ई, सर्कल का क्या होता है, सर्कल के लिए ई इक्वल टू 0 होता है, सेकंड इलिप्स, इलिप्स के लिए ई का वैल्यू क्या होता है, दैट इज 0 से 1 के बीच में होता है, दैट इज लेस देन 1 होना चाहिए, एंड थर्ड उल्टा हो, चलो जाने तो पैराबोला पहले लिखना चाहिए था, चलो पैराबोला भी लिख देता हूँ, पैराबोला क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, एंड फोर्थ इज हाइपरबोला इज ग्रेटर देन 1, बराबर क्लियर, ग्रेटर देन 1 मतलब कितना भी बड़ा हो सकता है, इन्फिनिटी खाली छोड़ के, बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, समझ में आया ये, तो ये नोट लेके चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ द फोकाई एंड वर्टाइसेस ऑफ इलिप्स बी प्लस माइनस 1,0 एंड प्लस माइनस 2,0, फोकाई कितना दिया हुआ है प्लस माइनस, ए फोकाई का क्या फॉर्मूला होता है, फोकाई क्या होता है इलिप्स का, ए कॉमा जीरो ना, तो दैट इज ए इक्वल टू 1 दिया हुआ है और वर्टाइसेस दिया हुआ है ना, ये यहाँ पे वर्टाइसेस दिया हुआ है, तो वर्टाइसेस हम लोग वर्टाइसेस क्या मान सकते हैं, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो होता है ना वर्टाइसेस, हेलो वर्टाइसेस क्या होता है प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, तो प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। अच्छा यहाँ पे तुम श्योर हो कि वर्टाइसेस कौन सा होगा, हेलो ये 2b दिया हुआ है कि 2a दिया हुआ है, कोई बताएगा मुझे, सॉरी a कॉमा जीरो दिया हुआ प्लस माइनस a कॉमा जीरो दिया हुआ कि 0 कॉमा प्लस माइनस b दिया हुआ है, बोलेगा कोई, क्वेश्चन समझा क्या मैंने क्या पूछा, अभी वर्टाइसेस तो चार होते हैं ना, सर a प्लस माइनस 2,0 है, हाँ तो बट एक तो और भी होता है ना, मेजर एक्सिस का है सर,
ये मेजर एक्सिस का कि माइनर का, कैसे पता चला तुम्हें? मेजर एक्सिस का वर्टाइसिस है और प्लस माइनस 1.0 माइनर एक्सिस का वर्टाइसिस है। अबे पागल हुआ है क्या? वहां पे फोकाई दिया हुआ है, वो फोकाई बोला है, दिख नहीं रहा है? क्वेश्चन नहीं पढ़ा गया? फोकाई ऑफ इलिप्सिस ए और वर्टाइसिस ए है। सब नींद में है क्या तू अभी भी भाई? नींद में हो क्या? फोकाई दिया हुआ प्लस माइनस 1.0 और वर्टाइसिस दिया प्लस माइनस 2.0, दिख रहा है? हाँ सर समझा। हाँ समझा तो प्लस माइनस 1.0 मेजर माइनर कहाँ से घुस गया तेरा? अच्छा अभी ये ध्यान से देखो तो, ये वर्टाइसिस क्या ए का वैल्यू है कि बी का वैल्यू, कैसे पता चलेगा मुझे? अभी देखो ना, फोकाई कहाँ पे है, फोकस कहाँ पे है? प्लस माइनस 1.0 मतलब एक्स एक्सिस पे है, करेक्ट? और जो कोऑर्डिनेट्स दिया वो 2.0, वो भी एक्स एक्सिस पे है, मतलब ये ए का कोऑर्डिनेट्स है कि नहीं? Yes, sir. समझा कि नहीं? अगर 0.±2 दिया रहता था, प्लस माइनस 2 दैट इज मींस ये दिया रहता था 0.±2, तो 100% बी रहता था, अगर यही मैंने वन लिया है तो। समझा? तो ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि 2±2.0 दिया, दैट मींस दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 1.0, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ 1, ए दिया हुआ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए दिया हुआ, ठीक है? तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ये तो चाहिए मुझे वर्टाइसिस ए है, तो वर्टाइसिस नथिंग बट, तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली ए इक्वल टू 2 बोल दो। यहाँ से वर्टाइसिस क्या होता है? प्लस माइनस 1.0 होगा, तो ए इक्वल टू 2 हो गया। क्या फाइंड करने को बोला था? Then the minor axis of ellipse पूछा है उसने, minor axis कितना होगा? A का value 2 आया तो E कितना हो जाएगा? Therefore, E will be half ना? ये दोनों से divide कर दो ना, A divided by A equal to 1/2 हो जाएगा। E का value मिल गया मुझे, और B कैसे निकालते हैं हम लोग बताओ? minor axis चाहिए ना, minor axis is what? B, B square क्या होता है? A square 1-E square ना? Hello? देखो मैं कैसे लिखता हूँ इसको, मैं लिखा ए स्क्वायर, मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना आएगा? 4। ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना आएगा? 1। देयरफॉर बी स्क्वायर विल बी व्हाट? 3। ये बी स्क्वायर का वैल्यू आया, देयरफॉर बी क्या आएगा? √3। बराबर, बी का वैल्यू √3 है। ए माइनर एक्सिस का लेंथ है? नहीं, माइनर एक्सिस नहीं, ये सेमी माइनर एक्सिस है। माइनर एक्सिस क्या होगा? देयरफॉर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा? 2b होता है ना, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू 2b इक्वल टू 2 इनटू √3, दैट इज 2√3। समझा कि नहीं? ये डी ऑप्शन क्लियर? यस सर। ओके फाइन, चलो आगे चलते हैं। एलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है। अरे देख लो ना, ये डायरेक्टली दिख रहा है तुम्हें, होमवर्क लिख लो। ये एलिप्स का इक्वेशन कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 12 से डिवाइड करोगे, वाई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है पहले, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1। लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी व्हाट? 2b स्क्वायर अपॉन a। अरे ये देखो ना कौन सा है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है ना, लिखने की जरूरत नहीं है हॉरिजॉन्टल, a greater than b वाला है, horizontal ellipse है, 2b square upon a little top lattice rectum हो जाता था, fine, b square कितना दिया हुआ है, 3, और a का value कितना है, 2, that is 3, d is the option, आगे चलते हैं, if the eccentricity of ellipse is 1/√2, then its lattice rectum is equal to, अभी उसने क्या दिया हुआ है? अच्छा जहाँ पे इलिप्स मेंशन नहीं है कि मेजर हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है, तुम कुछ भी मान के चल सकते हो, तो मैं मान के क्या चल रहा हूँ, एक्सेंट्रिसिटी दिस इज अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स 1/√2 दिया हुआ एक्सेंट्रिसिटी, और उसने लेंथ ऑफ क्या पूछा है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछा, क्या होगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल होगा, करेक्ट ना? लेंथ ऑफ लेटेस्ट क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हॉरिजॉन्टल ए स्क्वायर 2b स्क्वायर अपॉन ए, चलो ई ए दिया 1/√2 दिया है, तो यहाँ से हम लोग ई का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/√2 इक्वल टू आई कैन से दैट रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए होता है कि नहीं? ये ई का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई किया मैंने,
हेलो, एक स्टेप ले लू मैं, लिख दू इक्वल टू क्या होता है, देयर फॉर वन अपॉन रूट टू इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं, स्क्वायर कर दो दोनों साइड को, तो वन बाई टू विल बी वॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर इक्वल टू टू ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, देयर फॉर टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा ना, टू बी स्क्वायर इक्वल टू वॉट ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। हेलो, ये समझा, टू बी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, लेंथ ऑफ लेटर्स रखता हूं, ए स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, एक ए कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू ए आएगा, और ए क्या होता है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, बराबर ना। मैंने कौन सा पैराबोला लिया था, कौन सा सॉरी इलिप्स माना था, हॉरिजॉन्टल माना था, तभी ना वो आया था लेटर रेक्टम का फॉर्मूला, करेक्ट। तो सेमी मेजर एक्सिस, ऑप्शन विल बी डी, क्लियर। हेलो, क्लियर है ना। अगर तुम अगर इसको उल्टा मानते थे, मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स मान के चलोगे, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तुम्हें लिखना पड़ेगा, और आंसर उस केस में लेटर रेक्टम का टू ए स्क्वायर अपॉन बी आएगा, तो उसमें b इक्वल टू b आएगा आंसर, और b क्या है, फिर से मेजर एक्सिस है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इन जनरल। आगे चलते हैं, द डिस्टेंस, ओके फाइन, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट थीटा ऑन इलिप्स x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फ्रॉम द फोकस इज, उसने बोला है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट थीटा ऑन द इलिप्स फ्रॉम द फोकस, फोकस से इलिप्स के ऊपर जो पॉइंट रहता है उसका डिस्टेंस क्या होता है। हेलो, ये मेरा इलिप्स है, सपोज मैंने एक इलिप्स ड्रॉ किया, और इलिप्स के ऊपर दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस, मैंने एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स ड्रॉ किया, अभी एक पॉइंट पी है, इसका सपोज नाम थीटा रखा मैंने, ये फोकस है इसका, तो इस फोकस से उसने इस फोकस से या फिर इस फोकस से इस इलिप्स का डिस्टेंस कितना होगा ये पूछा है उसने, ये एस डैश है सपोज, अगर इसका कोऑर्डिनेट थीटा है तो क्या हो जाएगा बता सकते हो तुम। हेलो, थीटा इज नथिंग बट पैरामीटर, तो ये पैरामीटर एक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोई बता सकता है पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। हेलो, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, कोई बताएगा ये पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोई तो बोलो। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, क्यों ऐसा क्यों, अरे मैं कोऑर्डिनेट्स पूछा एक्स के टर्म्स में, कॉस इनवर्स क्यों अप्लाई, एक्स कॉस ए कॉस थीटा होगा ना, और बी साइन थीटा होगा, मैं कोऑर्डिनेट्स ही पूछ रहा हूँ, उसका थीटा इज पैरामीटर, लाइक पैरामीटर, एक खाली पॉइंट दिया इसका मतलब वो पैरामीटर है, एक से दो पॉइंट्स नहीं आएंगे, तो ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा होगा कि नहीं, इसका बताओ कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि पैरामीट्रिक इक्वेशन से यही होगा, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, क्लियर, ये मुझे पता चल गया इसका। और हमें क्या फाइंड करना है, एस पी फाइंड करना है या फिर एस पी डैश फाइंड करना है, तो बताओ एस पी क्या होता है, फोकल डिस्टेंस है ना, एस पी इज नथिंग बट फोकल डिस्टेंस, और एस पी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, और दिस इज नथिंग बट एक्स वन कॉमा वाई वन जैसा है कि नहीं, और फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस ई एक्स वन मैंने बताया था ना अभी, क्या आएगा बताओ, ए माइनस ई एक्स वन कितना है, ए कॉस थीटा, तो तुम्हारा ये कॉमन हो जाएगा, तो वन माइनस माइनस ई कॉस थीटा, ये है कोई ऑप्शन। हेलो, है क्या ये आंसर में, ए वन माइनस ई कॉस थीटा नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो मिस्टेक नहीं है, एच डैश पी निकालो, एच डैश पी क्या होता है, ए प्लस ई एक्स वन होगा ना, करेक्ट कि नहीं, दूसरा दूसरे फोकस से डिस्टेंस, ए प्लस ई एक्स वन, तो ए का वैल्यू ए प्लस ई एक्स वन का वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा, ए कॉमन ले लो, वन प्लस सी आएगा, तो ऑप्शन विल बी सी, समझा, दोनों में से कोई, अगर ए वाला आंसर दिया रहता वन माइनस ई कॉस थीटा तो वो भी करेक्ट रहता था, वो दोनों दिया रहता तो दोनों नहीं दिया रहेगा,
ठीक है, दो आंसर करेक्ट नहीं होते सीटी में, दोनों गया तो मतलब आंसर दोनों करेक्ट है, तो दोनों मार्क नहीं कर सकते। फाइन, समझा कि नहीं? हेलो, क्लियर है ये? यस सर। नेक्स्ट 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 ओके फाइन नेक्स्ट नेक्स्ट देखो क्या दिया, द सेंटर ऑफ द इलिप्स, इस इलिप्स का सेंटर, अगर ये इलिप्स देखोगे तो ये जनरल फॉर्म है, सेकंड डिग्री इक्वेशन के फॉर्म में है, ये क्या है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है ना, तो ये जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स, सेकंड डिग्री इक्वेशन, दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया हुआ है। अगर जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया है ना, तो अभी जो मेरा स्टैंडर्ड इलिप्स रहता है उसका सेंटर क्या होता है, 0.0 बराबर, बस इसका जीरो नहीं है, इसका सेंटर कहीं दूसरी जगह पे जाके बैठा है, तो उसका निकालने का एक शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड हमने हाइपरबोला के लिए देखा था, सॉरी पैराबोला के लिए देखा था शॉर्टकट, क्या करते थे हम लोग, हेलो क्या करते थे, शॉर्टकट मेथड डिफरेंशिएट करते थे ना, जो वाई स्क्वायर, जो स्क्वायर कर रहता था उसको डिफरेंशिएट करते थे। और एक टर्म को कांस्टेंट बोल देते सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर नहीं आ रहा है।
हेलो 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 यस सर। आवाज आ रही है ना अभी? अच्छा, हाँ तो तुमने कुछ एक्सप्लेनेशन सुना ही नहीं। टू फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट का सुना था क्या? नहीं सर। हाँ तो देखो क्या कहते हैं, शॉर्टकट मेथड में डिफरेंशिएशन मेथड है। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर फाइंड करना है तो लिखा हुआ है देखो स्क्रीन पे, टू फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट। वाई को कॉन्स्टेंट माना, एक्स से डिफरेंशिएट करो, देखो क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन। 4x² - 16x, x वाले टर्म्स है तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 4 × 2x - 16 = 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। सिमिलरली टू फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद रिस्पेक्ट टू वाई ट्रीटिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट, तो कितना हो जाएगा 9 × 2y ना, 9y² है तो 9 × 2y - 54 = 0, देयरफॉर y = 3, सेंटर क्या हो जाएगा 2, 3। सबको क्लियर है ना ये? चले आगे बढ़े। दूसरा मेथड क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ इलिप्स के, दैट इज x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे तो वहां से सेंटर तुम लिख सकते हो। वो वाला मेथड बताऊं, परफेक्ट स्क्वायर वाला। परफेक्ट स्क्वायर वाला सेंटर के लिए मेथड मत करो, शॉर्टकट मेथड यूज करो, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ओके, ये हाइपरबोला का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो। सर्कल के बाद पैराबोला, पैराबोला के बाद इलिप्स आएगा। दिस इज व्हाट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। क्या दिया होता है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज सेंटर इज 2, -3 एंड वन ऑफ द फोकाई इज 3, -3, देन द करस्पोंड एंड द करस्पोंडिंग वर्टेक्स इज 4, -3, तो उसका इक्वेशन क्या होगा इलिप्स का? कोई बता सकता है? डायरेक्टली देखिए इसको आंसर इसका। और आई थिंक ना इसमें नहीं, करेक्शन किया हुआ है ऑलरेडी, करेक्शन किया हुआ है, ठीक है। बताओ क्या होगा, कोई तो आंसर बोलो। आंसर दिख रहा है, सामने है तुम्हारे। हेलो, बी ऑप्शन है सर। यस, बी ऑप्शन है, देख के ही करने, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सेंटर क्या दिया, 2, -3, 2, -3 कहाँ पे सेंटर आ रहा है, खाली बी ऑप्शन में। अरे देखो ना, इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर क्या है, 0, 0 है, स्टैंडर्ड है, ये भी 0, 0 है। इसका सेंटर क्या होगा, 2, -3, 0 से क्यों, और इसका सेंटर क्या होगा, 3, -3, हो गया ना। खाली सेंटर किसका, बी का है, 2, a, बी का सेंटर है 2, -3, क्लियर? अच्छा सपोज ऐसे ऐसे ऑप्शंस नहीं दिए रहते, दो जगह ऐसे दे देता था, x - 2 का होल स्क्वायर + y - 3 का होल स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर रहता, तो उस केस में क्या करते थे हम, तब तो निकालना पड़ता था ना मुझे। तो देखो इसका मेथड क्या है। अच्छा तुम पहले देखो पॉइंट्स प्लॉट करो कहाँ कहाँ पे है, इलिप्स का सेंटर कहाँ पे है, 2, -3, 2, -3 में लिखता हूँ, 2, -3, और फिर एक मिनट इस पॉइंट को ना नीचे ले लेते हैं, 2, -3, और वन ऑफ द फोकाई इज एट 3, -3। ये 3, -3 कहाँ पे आएगा, इसके राइट में आएगा ना कि नहीं, 3, -3, और 4, -3 क्या वर्टेक्स है उसका, 4, -3 वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये फोकाई है और ये सेंटर है इलिप्स का, तो इलिप्स कैसा बनेगा बताओ मुझे। अरे ये -3 देखो ना कांस्टेंट है, अगर तुम थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हो
ये कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, और ये जो पॉइंट्स हैं वन से ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स देखो ना लीनियर पॉइंट्स है कि नहीं, एक लाइन में है कि नहीं सब, वाई कोऑर्डिनेट देखो ना तीनों पॉइंट्स के, ये क्या था सेंटर था वो मान के चलता हूँ, ये क्या था फोकस था, और ये क्या था उसका ये उसने क्या बोला था लास्ट वाला वर्टेक्स बोला था, वर्टाइसेस है बेसिकली, तो तुम्हारा इलिप्स कुछ ये बनेगा अगर तुम्हें विजुलाइज हो रहा होगा तो, क्या बनेगा तुम्हारा ये वाला इलिप्स बनेगा। हेलो समझा, एक तो ये स्टैंडर्ड इलिप्स नहीं है अपना, बट इसके एक्सिस जो पैरेलल एक्स एक्सिस है ना वाई एक्सिस दिया हुआ उसने, बराबर ना कि नहीं, बोलो तो कुछ। ए का वैल्यू कोई मुझे बता सकता है क्या होगा यहाँ से, ए क्या होता है, ए इज नथिंग बट डिस्टेंस ओ ए ना, ओ ए होता है ना डिस्टेंस कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते थे ना स्मॉल ए, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। OA कितना लेंथ होगा बताओ, ये 2 से स्टार्ट, x कोऑर्डिनेट चेक करना पड़ेगा तुम्हें, दैट इज 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2 होगा कि नहीं, बोलो a का वैल्यू 2 a होगा कि नहीं, और ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या रहता है, ये ही रहता है ना, क्योंकि फोकस का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, यही कॉमा जीरो होता है ना। हेलो यही तो, ये डिस्टेंस क्या होगा, दिस डिस्टेंस विल बी ए, तो ए इक्वल टू कितना है, ये डिस्टेंस कितना है 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1, समझ में आया। अरे इलिप्स कहीं पे भी शिफ्ट कर दो लेकिन वो जो डिस्टेंसेस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे तुम्हारे, अभी वो ओरिजिन शिफ्ट होने से डायग्राम का मतलब उसका मैं क्या बोल सकता हूँ, उसके कॉन्फिगरेशन नहीं बोलते हैं, उसके डायमेंशंस नहीं चेंज हो जाएंगे, अगर लेंथ फाई है तो फाई ही रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकस 2a / e है तो 2a / e ही रहेगा, भले से उसका सेंटर कहीं पे भी शिफ्ट हो जाए। तो ए ही कितना होगा, ए इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द फोकस, एंड सेंटर एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 है ना, 3 माइनस 2 दैट विल बी 1, तो ए ही 1 है, और ए का वैल्यू 2 मुझे मिला था, 2 * e इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, दिस इंप्लाइज e इक्वल टू व्हाट, इसको निकालने की तो जरूरत भी नहीं थी, इक्वल टू हाफ होगा बट ई निकालने की जरूरत, बी का वैल्यू चाहिए, बी क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर ना, ए स्क्वायर कितना है 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस ई स्क्वायर, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, देखो शॉर्टकट मेथड सॉल्व करने का बताता हूँ मैं, ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, शॉर्टकट लेंगे, क्या होगा फॉर्मूला क्या होता है इसका, बी स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर ना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू 4, ए स्क्वायर ई स्क्वायर का वैल्यू 1 है ना, 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3, तो बी स्क्वायर विल बी 3, यार ये क्या है, देयरफॉर आई कैन यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर बी स्क्वायर कितना आया 3 आया, और ए स्क्वायर कितना है 4 है, और इलिप्स का इक्वेशन क्या बन जाएगा, सेंटर मुझे पता है 3 कॉमा है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 2 द होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है 4 प्लस y प्लस 3 द होल स्क्वायर, सेंटर माइनस 3 है ना, तो y प्लस 3 अपॉन कितना हो जाएगा b स्क्वायर, b स्क्वायर इज व्हाट 3 इक्वल टू 1, दिस इज माय आंसर। ये समझ में आया सबको, हेलो समझ में आया ना कैसे लिखा मैंने ये इक्वेशन, a एंड b के वैल्यूज फाइंड करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया, डायरेक्टली लिफ्ट इक्वेशन सेंटर दिया हो तो लिख सकते हो। आगे चले आगे बढ़ते हैं, चलो क्या दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स इज 10 एंड द माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, लेटेस्ट रेक्टम कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ है, बराबर लेटेस्ट रेक्टम 10 दिया हुआ, दैट मींस 2b स्क्वायर अपॉन a कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई
and the minor axis equal to, minor axis क्या होता है 2b equal to distance between foci, क्या होगा distance between foci 2a ही होता है ना. हेलो, माइनर एक्सिस 2b होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2a ही होता है, करेक्ट. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 10, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम का क्या होगा, ये हो जाएगा बराबर, करेक्ट ही नहीं. तो यहाँ से देखो b स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये b स्क्वायर अपॉन a है इक्वल टू 5, या आई कैन से दैट b स्क्वायर इक्वल टू 5 है. देखते हैं इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं. 2 से 2 कैंसिल, b इक्वल टू a ही हो गया बराबर. चलो इतना डिटेल दिया हुआ है मुझे, तो मैं यहाँ से मैं ट्राई करूंगा कि वैल्यूज सबके फाइंड करने के लिए. तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास एक फॉर्मूला है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर ना, यहाँ से सॉल्व करो. बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, फाइव ए स्क्वायर दिया हुआ है कि नहीं, तो फाइव ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस, फाइव ए स्क्वायर नहीं दिया हुआ, ओके सॉरी, फाइव ए स्क्वायर नहीं दिया हुआ, बी स्क्वायर इज फाइव ए खाली दिया हुआ है. नहीं नहीं यहाँ से नहीं होगा, हाँ यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर, देयरफॉर बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना है, बी है ना, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, देयरफॉर आई कैन से दैट टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, फाइव है ना, बी स्क्वायर का वैल्यू फाइव है, डाल दो यहाँ पे फाइव ए इक्वल टू बी स्क्वायर, देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस टेन ए इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ए इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो हो सकता है क्या, बट ये तो पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर ए इक्वल टू कितना आएगा, टेन, ए का वैल्यू टेन आ जाएगा, ए का वैल्यू टेन आएगा तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू फाइव इंटू टेन दैट इज फिफ्टी, बी स्क्वायर फिफ्टी, ए स्क्वायर टेन, देयरफॉर ए स्क्वायर कितना हो जाएगा हंड्रेड, इक्वेशन ऑफ इलिप्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज हंड्रेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फिफ्टी इक्वल टू वन, हंड्रेड से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू हंड्रेड, दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ए ऑप्शन ठीक है. कर तुम्हें क्या करना है, तीन रिलेशन दिया हुआ, बी स्क्वायर इक्वल टू फाइव ए दिया हुआ है, बी इक्वल टू ए दिया हुआ, और तीसरा रिलेशन तुम्हें पता है दिस, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए तीनों का यूज करके तुम्हें ए बी और ई का वैल्यू फाइंड करना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर फाइंड करना है बेसिकली, ठीक है ना, यूज करके फाइंड करो और सॉल्व करो. ओके, द रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ इलिप्स having its center, the radius of circle passing through the foci of ellipse x square equal to 1 and having its center at 0,3. ये center किसका दिया हुआ है? Hello? कोई बताएगा इस question से center है किसका दिया हुआ है 0,3? ये किसका center है 0,3? Circle का. Yes, center of circle दिया हुआ है वो. सेंटर ऑफ सर्कल इज 0,3 है, और सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, फोकाई से पास हो रहा है इलिप्स का, तो उस इलिप्स का फोकाई निकाल सकते हो क्या, हेलो, उसका फोकस निकाल सकते हो, फोकस क्या होता है, a, 0 ना, तो देख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, देयरफॉर ए स्क्वायर विल बी 16 और बी स्क्वायर विल बी 9 और फोकस विल बी एस विल बी व्हाट ए कॉमा 0, एक ए कॉमा 0 ये निकालना है मुझे, इससे पास हो रहा है ना सर्कल, सर्कल इससे पास हो रहा होगा या फिर एस डैश से पास होगा, माइनस ए कॉमा 0 दोनों में से एक से पास हो रहा है, पता नहीं किससे पास हो रहा है. चलो मैं ए कॉमा 0 वाला चीज चेक करके चलता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ए कैसे निकालेंगे, ये मुझे पता है बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर
वन माइनस ई स्क्वायर ना, बी स्क्वायर का वैल्यू 9 है, ए स्क्वायर कितना है 16 है, नहीं ए ही निकालना है ना मुझे, जाने दो मैं और शॉर्ट कट लूंगा। देखो ए स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर ई स्क्वायर कि नहीं, हेलो इसको एक्सपेंड कर दिया ना, बी स्क्वायर का वैल्यू 9, ए स्क्वायर का वैल्यू 16 माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, देयरफॉर ए स्क्वायर ई स्क्वायर विल बी 16 माइनस 9 दैट इज 7, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, देयरफॉर ए ही कितना हो जाएगा बताओ, ए विल बी प्लस माइनस रूट 7, करेक्ट ना। ए सर्कल किससे पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है उसके, तो डिस्टेंस रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ये सपोज सी है, रेडियस इक्वल टू डिस्टेंस, सॉरी चलो थोड़ा डिटेल और लिखता हूँ, सिंस सर्कल पासेस थ्रू फोकाय, देयरफॉर रेडियस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, एस कितना हो जाएगा, सॉरी यही ना, प्लस माइनस रूट 7.0 हो जाएगा। प्लस माइनस रूट 7.0 हो जाएगा, एस का क्या कोऑर्डिनेट है, प्लस माइनस रूट 7, तो क्या हो जाएगा ये, अगर मैं 0 प्लस माइनस रूट 7 करूं कुछ फर्क नहीं पड़ता है, रूट 7 का स्क्वायर प्लस इसमें क्या आएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर, ये सेम ही रहेगा रेडियस, दैट इज रूट 7 का स्क्वायर विल बी 7 प्लस 3 का स्क्वायर विल बी 9, 16 का क्या हो जाएगा 4, तो रेडियस विल बी 4, ऑप्शन विल बी सी, समझा। हेलो ए दैट मींस जो सर्कल है ना वो दोनों फोकस से पास हो रहा है, करेक्ट ना, सर्कल जो है वो दोनों फोकस से पास हो रहा है, ओके हाइपरबोला है ये, छोड़ दो इसको, नेक्स्ट लेटेस्ट रखते हैं हाइपरबोला, ये हाइपरबोले के क्वेश्चन सर, चलो ये खत्म होने के बाद हम लोग जाएंगे, पैराबोला खत्म होने के बाद, चलो पैराबोला खत्म हुआ, हाँ खत्म हुआ, ये भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, देखो 62 क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 62 देखो क्या दिया हुआ है, इफ द एंगल बिटवीन वन सेक, फाइन, नीरज मिसिंग है क्या, नीरज नहीं है क्या, इफ द एंगल बिटवीन, चलो जाने दो, एंगल बिटवीन द लाइंस जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स विथ इट्स फोकाई इज पाई बाय 2, देन द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है उसने, एक इलिप्स है, दिस इज माई एलिप्स, सपोज ये एलिप्स दिया हुआ है और इसका मेजर एक्सिस ए डैश एंड ए एंड ए डैश हो जाएगा एंड माइनर एक्सिस विल बी बी एंड बी डैश, क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया, द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स विथ इट्स फोकाई, फोकाई मतलब दो है, एस और एच डैश है, ये दिया हुआ है, और एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, बी और बी डैश, तो बी से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, किससे ज्वाइन करूंगा, मैं बी से ज्वाइन कर रहा हूँ अगर सपोज, तो उसने बोला कि दिस इज लाइन ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस एंड फोकाई, और दूसरा ये क्या हो जाएगा, ये बराबर, और उसने बोला है कि ये एंगल कितना है, पाई बाय 2 है, मीन्स दिस इज 90 डिग्री,
करेक्ट। अगर ये 90 डिग्री है देन द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स क्या होगा, उसने पूछा। क्या पूछा? एक्सेंट्रिसिटी ई क्या होगा, कुछ नहीं दिया है, खाली उसने बोल दिया एंगल पाई बाई टू है तो बताओ एक्सेंट्रिसिटी क्या होगा। बता सकते हैं हम लोग? एस के कोऑर्डिनेट्स बोलो। हेलो, एस का कोऑर्डिनेट्स बोलो कितना दिया हुआ है। ए कॉमा जीरो होता है, एस डैश का क्या होता है, माइनस ए कॉमा जीरो। बी के कोऑर्डिनेट्स जीरो कॉमा बी ना, जीरो कॉमा माइनस बी। चलो नीचे की तो जरूरत नहीं है। अभी उसने बोला क्या है, एस बी इज परपेंडिकुलर टू एस डैश बी ना, देयर फॉर स्लोप ऑफ, स्लोप हम लोग लेंगे स्लोप ऑफ एस बी इंटू स्लोप ऑफ एच डैश बी कितना होगा, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन माइनस वन ना, हमें पता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप कितना होता है, स्लोप का मल्टीप्लीकेशन इज माइनस वन होता है, करेक्ट। स्लोप ऑफ एस बी बताओ क्या होगा, एस बी का स्लोप निकाल सकते हैं हम लोग, बी माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस ए, करेक्ट। स्लोप ऑफ एच डैश बी क्या आएगा, जीरो प्लस, सॉरी उल्टा 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 हो गया, उल्टा हो गया, ये बी माइनस बी प्लस ए हो जाएगा, उल्टा उल्टा फिर से उल्टा हो गया, ये बी माइनस जीरो अपॉन कितना हो जाएगा, जीरो प्लस ए हो जाएगा इक्वल टू माइनस वन, करेक्ट। मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा ये ऊपर, ऊपर बी स्क्वायर आएगा, नीचे नीचे क्या है, माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर आएगा ना, करेक्ट कि नहीं, इक्वल टू माइनस वन आएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देयरफॉर क्या आएगा यहाँ पे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर आएगा। और हमें पता है बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर ना, यही होता है ना, पढ़ा है कि नहीं हमने अभी, ये कैंसिल हो जाएगा ए स्क्वायर। सॉल्व करते चलते हैं, यहाँ से फिर क्या आएगा, ये वन माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर आएगा, तो टू ई स्क्वायर इक्वल टू वन, दिस इंप्लाइज ई स्क्वायर इक्वल टू वन बाय टू, देयरफॉर ई इक्वल टू व्हाट, वन अपॉन रूट टू, ऑप्शन विल बी बी, ठीक है। अगर तुम याद रख सकते हो तो याद रखो, अगर 90 डिग्री दिया रहता तो एक्सेंट्रिसिटी कितना आता है, ई अपॉन रूट टू, या निकाल भी सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है ना ये, हेलो समझ में आया ना ये, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अ मैन रनिंग अराउंड अ रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ distances of two flag post from him is always 10 meters. अरे वो एक एक आदमी है, मैन है, वो रेस कोर्स में दौड़ रहा है, उसने नोट किया कि जो दो फ्लैग पोस्ट रखे हुए हैं उनसे उसका डिस्टेंस का सम हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, और वो कितना है, 10 meters, ऑलवेज 10 meters है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 meter. द एरिया ऑफ The path he encloses in square meter is, तो उसका जो एरिया जिसमें रेस कोर्स में वो दौड़ रहा है तो वो जितना एरिया इनक्लोज करेगा तो वो कितना होगा। किसी को एक गेस आ रहा है क्या दिया हुआ है, किसी को भी दिया क्या है, ये सम ऑफ डिस्टेंसेस हमेशा कॉन्स्टेंट है, और इसका मतलब वो मैन जो है सम ऑफ डिस्टेंस अगर ऑलवेज कॉन्स्टेंट है दो फ्लैग पोस्ट से, दो पॉइंट से, वो फ्लैग पोस्ट नथिंग बट उसका क्या है, फोकाई है। एस और एच डैश सपोज ये फ्लैग पोस्ट है, वो मैन दौड़ रहा है और ऐसे दौड़ रहा है कि उसका सम ऑफ डिस्टेंसेस रिमेंस ऑलवेज 10 मीटर्स। अरे तो हमने प्रॉपर्टी है ना इलिप्स की, बेसिक डेफिनेशन ना, मतलब ये यहाँ पे रहेगा आदमी, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस इक्वल टू 10, यहाँ पे रहेगा ये वाला डिस्टेंस प्लस ये, कहीं पे भी रहे हो इस पाथ में, कहीं पे भी रहे उसका डिस्टेंस कितना होगा, हमेशा 10 रहेगा ना, उसने बोला ऐसा। ये तुम्हारा नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट एक इलिप्टिकल पाथ है, वो वहां पे दिया है कि सम ऑफ दिस डिस्टेंस, सपोज दिस इज पॉइंट पी और ये पॉइंट है तुम्हारा एस एस डैश था, और उसने फ्लैग पोस्ट के बीच में भी डिस्टेंस बोला है, कितना दिया है ये, 8 मीटर है,
और उसमें एस डैश पी प्लस एस पी इक्वल टू 10 दिया हुआ है, करेक्ट ना? और ये क्या होता है तुम्हें पता है? दिस इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ना। हेलो, प्रॉपर्टी पढ़ा था ना हमने अभी, इलिप्स का डेफिनेशन ही वही था। सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस क्या होता है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए इक्वल टू 5 आ जाएगा। और डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग पोस्ट 8 मीटर दिया हुआ, दैट मींस क्या? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई है 2a इक्वल टू व्हाट? 8। तो a इक्वल टू 4 बराबर, a का वैल्यू 5, a का वैल्यू 4। b स्क्वायर क्या होगा? b स्क्वायर बताओ क्या होता है? a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर ना, दैट इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर। a स्क्वायर कितना है? 25। b ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना है? 16 हो जाएगा ना, दैट मीन्स दिस विल बी 9, देयरफॉर बी स्क्वायर 9 है। हेलो, इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ इलिप्स विल बी व्हाट? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज 25, जरूरत नहीं है वैसे बट लिख रहा हूँ मैं, अपॉन 9 ना बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ए इक्वल टू कितना आ गया? 5 आया था, दिया है उसने यहाँ से आया। और बी का वैल्यू क्या आएगा? देयरफॉर बी इक्वल टू व्हाट? 3। b इक्वल टू कितना आएगा? 3। पास का एरिया बताओ, इसका इलिप्स का एरिया बताओ, क्या आता है इलिप्स का एरिया? एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है? पाई ए बी, हमने सीखा है एरिया अंडर द कर्व में, पाई ए बी। पाई ए कितना है? 5। b का वैल्यू कितना है? 3, 15 पाई। हेलो, सो रहे हो या जाग रहे हो? जाग रहे सर। समझ में आया कि खाली जाग रहे हो? समझ में आया ना। नींद लग रही है क्या? नींद लग रही है? नहीं ना, तो चलो हाइपरबोला देख लेते हैं। जगह तो छुट्टी नहीं है, जगह बची नहीं है यहाँ पे लिखने के लिए मुझे। क्या करें हाइपरबोला का? तो हाइपरबोला एक्चुअली मेरे को बहुत सारे नोट्स हाइपरबोला में भी देने थे। चलो नोट्स के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, डायग्राम थोड़ा छोटा बनाता हूँ हाइपरबोला का। हाइपरबोला के जो इक्वेशंस है ना, बेसिकली एग्जैक्टली डायग्राम दिखता है पैराबोला जैसा, बट इसके जो फॉर्मूले है सब सेम है, इलिप्स जैसे ही हैं। तो हम लोग फटाफट देखते हैं हाइपरबोला में। हमें तीन टाइप का हाइपरबोला पढ़ना रहता है, तीन टाइप का हाइपरबोला पढ़ना रहता है। दैट इज, पहला है तुम्हारा ट्रांसवर्स हाइपरबोला, दूसरा है कॉन्जुगेट हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और तीसरा होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसवर्स हाइपरबोला। क्या है फर्स्ट? ट्रांसवर्स हाइपरबोला। ये ट्रांसवर्स हाइपरबोला क्या होता है? ट्रांसवर्स हाइपरबोला का इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन इज नथिंग एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ए माइनस, देखो इलिप्स में क्या रहता है? हेलो, इलिप्स में प्लस रहता है। इसमें ट्रांसवर्स हाइपरबोला में क्या रहता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, उसका अगर डायग्राम मैं ड्रॉ करूँ, इसमें क्या क्या भरूंगा मुझे नहीं समझ में आ रहा। चलो बाकी सब मैं क्वेश्चंस में जगह रहेगी लिखने के लिए, देख लेते हैं। तो हाइपरबोला मैं ड्रॉ करता हूं। हाइपरबोला इज लाइक दिखता पैराबोला जैसा है बट होता नहीं है। टेंशन चाहिए मुझे। अच्छा, दिस इज द सेंटर ऑफ हाइपरबोला, ओ उसको बोलते हैं, ओरिजिन पे सेंटर। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके फाइन, चलो पॉइंट्स मैं लिखता हूँ फटाफट ब्लैक में। ये क्या होंगे? जहां ए एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस इज नथिंग बट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, और एक्सिस पे जहाँ पे एक्सिस को हाइपरबोला कट करता है वो क्या आता है? तुम्हारा वर्टाइसिस आता है। वर्टाइसिस क्या है? ए है और ए डैश है।
कोऑर्डिनेट्स बोलते जाओ, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉमा जीरो होता है, क्या होता है ए कॉमा जीरो, और ये फोकस है तुम्हारा एस, एस इज नथिंग बट ए कॉमा जीरो, फिर से वही आता है फोकस, और यहाँ पे भी फोकस क्या हो जाएगा एस डैश माइनस ए कॉमा जीरो बराबर, ए डैश का कोऑर्डिनेट्स माइनस ए कॉमा जीरो, और दिस इज कॉल्ड, ये कौन सा एक्सिस है, इसमें मेजर माइनर कुछ नहीं होता है, हेलो, इसमें मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नहीं होता है, छोटा बड़ा कुछ नहीं है, खाली यहाँ पे साइन देखना है, माइनस साइन किसके साथ जा रहा है, वाई स्क्वायर के साथ जा रहा है बराबर, दैट मीन्स ये कौन सा हाइपरबोला है, दिस इज ट्रांसवर्स हाइपरबोला, तो उसका जो एक्सिस रहता है एक्सिस, ये वाला एक्सिस, इसका नाम अभी नामकरण करूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, जगह नहीं बचेगी यहाँ पे, तो इस एक्सिस को बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, कौन सा एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस, और इस वाले एक्सिस को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस, वाई एक्सिस जो है दैट इज कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, या फिर इसका नाम अगर नामकरण करें तो बी डैश और यहाँ पे बी है, ये जीरो कॉमा बी, और ये क्या हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस बी, बराबर ना, डायरेक्ट्रिक्स मिसिंग है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे, देखो हाइपरबोला में डायरेक्ट्रिक्स इसी साइड आता है, ये आता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या रहता है, डायरेक्ट्रिक्स मतलब यू कैन से दैट सेंटर और फोकस के बीच में रहता है डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है, दिस इज डी और ए डी डैश है, कोऑर्डिनेट्स बोलो हाइपरबोला क्या हो जाएंगे, ये वाले डी, मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखता हूँ, एक्स इक्वल टू ए बाई ई कॉमा जीरो होगा, ये दिस इज ए बाई ई कॉमा जीरो, जेड बोलते हैं कभी कभी इसका नाम, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए बाई, यहाँ पे भी है, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, जेड क्या होगा इसमें, माइनस ए बाई ई कॉमा जीरो, तो जेड विल बी नथिंग बट एक्स इक्वल टू, जेड का एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई, बराबर, इक्वेशन क्लियर है कि नहीं, हेलो, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम ड्रॉ कर सकते हैं, दिस विल बी द लेटस रेक्टम यो एल एल डैस, और यहाँ पे भी लेटस रेक्टम मैं कैसे भी ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या होगा इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, हेलो, लेटस रेक्टम इम्पोर्टेंट है, एल का कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होगा, दैट इज ए कॉमा हाइपर, हेलो, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स बोलो, ए ही हो जाएगा, जब इसमें दूसरा वाला सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं ये, तो बी स्क्वायर अपॉन ए ही आता है, क्या आता है, सेम ही आता है, हेलो, हेलो, क्लियर है, बी स्क्वायर अपॉन ए ही आता है, और नीचे वाला कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, एल डैश के बताओ, एक्चुअली एल वन नाम देना चाहिए, और एल टू डैश, एल वन डैश क्या आएगा, ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए आएगा, ठीक है, क्लियर, हेलो, बोलो कुछ, चलो लेफ्ट हैंड साइड का कोऑर्डिनेट्स बोलो, हाइपरबोला के लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड का कोऑर्डिनेट्स बोलो, माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा माइनस ए और ए हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, और डिनोमिनेट नीचे क्या हो जाएगा, ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, क्लियर, ओके, दिस वाज हाइपरबोला का इक्वेशन था तुम्हारा, बी स्क्वायर अपॉन ए, ओके, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ से क्या होगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताओ, टू बी स्क्वायर अपॉन ए ना, हाँ, हेलो, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगा, टू बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, और क्या चाहिए मुझे, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्टर फोकाई क्या हो जाएगा, टू ए, और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्टराइसेस टू ए बाई, वो सेम ही रहेगा, करेक्ट, ओके, यहाँ पे अभी अपने को रिलेशन बेसिकली लिखना था, रिलेशन के लिए तो जगह ही नहीं बची है यहाँ पे लिखने के लिए, तो हाइपरबोला का फॉर्मूला क्या करते हैं, बाकी रिलेशन में कहाँ पे छिपता हूँ, यहाँ पे छोटे छोटे रिलेशन लिख देता हूँ मैं, जो इम्पोर्टेंट है वो लिख देता हूँ, और भी चाहिए रहेगा मुझे,
या किसी क्वेश्चन पे लिख लेते हैं इसको। हाँ सर उसी में वो बेटर रहेगा ना, यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं है ना, बट उससे पहले मुझे तो बताना पड़ेगा ना, तो रुको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट दो बॉक्स बना देता हूँ, दो जगह रिलेशन लिख देता हूँ। पहला ई का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेंट्रिसिटी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। ए कौन सा ट्रांसवर्स हाइपरबोला है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए आएगा। और रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई क्या आएगा, अगर रिलेशन चाहिए तीनों के बीच में, दैट इज नथिंग बट यहाँ पे बी स्क्वायर होता है सेम ए स्क्वायर, वन माइनस ई स्क्वायर था इसमें ना, इसमें होता है ई स्क्वायर माइनस वन, क्या हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस वन, बस और कुछ नहीं है। वहां पे क्या था ई स्क्वायर माइनस वन, और ई का वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन वन होता है ना, ग्रेटर देन वन होता है, तो ये ई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। समझ में आया ये, हेलो रिलेशन बिटवीन समझा ना। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा, टू ए, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस विल बी टू ए, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस विल बी, अच्छा इसको कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस विल बी व्हाट, टू बी। लेंथ ऑफ सेमी, अगर सेमी करना है तो आधा हो जाएगा बराबर, इतना तो समझ में आया रहेगा कि नहीं, हेलो इतना समझ में आया रहेगा, हेलो इतना समझ में आया रहेगा ना, फोकल डिस्टेंस वो सब बाद में हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जाके, ठीक है। चलो हाइपरबोला के क्वेश्चंस स्टार्ट करें, सिमिलर है इलिप्स जैसा ही है सब कुछ, फटाफट देखते हैं हम लोग क्या है, कहाँ पे जाएं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हाइपरबोला का कहाँ पे है। चलो पहला क्वेश्चन मिला मुझे यहाँ पे, देखो हाइपरबोला का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकाई इज 2.4 एंड 2.-4 एंड एक्सेंट्रिसिटी इज 4/3, सॉरी बस द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकाई आर, अच्छा फोकाई यहाँ पे तुम्हारा दिया 2.4 एंड 2.-4 एंड एक्सेंट्रिसिटी इज 4/3, ये फोकाई दिया हुआ है, इसका सेंटर फाइंड कर सकते हो क्या, इसका सेंटर ऑफ हाइपरबोला का सेंटर फाइंड कर सकते हो, सेंटर कहां पे रहेगा बताओ मुझे, एस डैस एस, ये दो फोकाई दिया हुआ है, सपोज दिस इज मैं अज्यूम करता हूं 2.-4 है, 2.4 मान लो इसको, 2.4 दिस इज 2.-4, इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर इज नथिंग बट द मिड पॉइंट होता है ना, हेलो सेंटर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और राइट हैंड साइड में ये डिस्टेंस सेम होगा, तो सेंटर इज मिड पॉइंट, तो सेंटर कभी भी निकालने के मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, 2 + 2 = 4, 4 / 2 एंड दिस विल बी -4 + 4 / 2, तो सेंटर विल बी व्हाट, 2.0, हेलो समझा, सेंटर है, सेंटर क्या आएगा 2.0 कि नहीं, बोलो हेलो, और यहाँ पे बट अगर सेंटर 2.0 हो गया है तुम्हारा, तो इक्वेशन में x -2 का होल स्क्वायर आना चाहिए ना, वो तो दिया ही नहीं है, करेक्ट ना, कुछ तो इसमें मुझे मिसिंग लग रहा है, तो मैं क्वेश्चन देखूँ ये करेक्ट है क्या, क्वेश्चन पहली बार प्रिंटिंग करेक्ट है क्या, फोर्थ वाला कितना, क्वेश्चन नंबर 24 है ना, यस सर, वेट कुछ करेक्शंस है क्या तुम्हारे उसमें, 24 ना क्वेश्चन नंबर 24, यस इसमें करेक्शन है, सॉरी करेक्शन है,
करेक्शन करोगे तुम्हारा फोकाई 2.4 एंड माइनस 2.4 है, माइनस 2.+4 है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वैसा कोई आंसर ही नहीं दिया क्योंकि तुम्हारा सेंटर क्या है 2.0, तो इक्वेशन आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y माइनस 0 द होल स्क्वायर आएगा ना अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा आएगा, पता है ना हमें h कॉमा k पे अगर सेंटर है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे नहीं तो एक करेक्शन करो, इसमें करेक्शन है तो ये जो कोऑर्डिनेटर दिस इज रॉन्ग दिया हुआ है, इसको लिखो माइनस 2.4, इसको चेंज करो, सेकेंड विल बी माइनस 2.4 होगा, ठीक है, तो मैं अभी इसको करेक्शन में डाल देता हूँ, गलत है क्वेश्चन, ठीक है गलत है क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत दिया हुआ था वो, चलो करेक्शन हमने कर लिया, अभी बताओ सेंटर कितना हो गया इसका, सेंटर इज नथिंग 0, ये निकाल देता हूँ मैं, कितना दिया 2.4 दिया हुआ था, ये वाला रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, चलो सब निकाल ही देता हूँ, ये मेरा 0.4 आ जाएगा फिर सेंटर ना उसका, एक मिनट आ जाते हैं यहाँ पे, s कितना दिया हुआ है, यस यस इसका 2.4 दिया हुआ है एंड दिस इज माइनस 2, कितना बोला था मैंने 4 बोला था, करेक्ट, माइनस 2.4, तो सेंटर विल बी व्हाट, ओरिजिन 0, नहीं सेंटर हम लोग निकालना पड़ेगा, ओरिजिन नहीं होगा सेंटर, तो क्या आ जाएगा, सेंटर विल बी व्हाट 0.4 माइनस 2+2 डिवाइडेड बाय 2.4+4 डिवाइडेड बाय 2, सामने से दिख रहा है 0.4 और 0.4 कितना जगह दिया हुआ, 2 जगह दिया हुआ है, हेलो यहाँ पे देखो ना, 2 में 0.4 है, या तो ऑप्शन ए है या तो ऑप्शन बी है, करेक्ट ना, समझ में आया कि नहीं है, हेलो हाँ, तो अभी देखो ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा क्या होता है, ये यही होता है, ये डिस्टेंस सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस क्या होता है, ए ही है, तो मैं आई कैन से दैट ए इक्वल टू कितना डिस्टेंस है 2 है ना, a इक्वल टू 2-0 दैट इज 2 बराबर कि नहीं, a का वैल्यू 2 आ गया और एक्सेंट्रिसिटी उसने दे दिया है, एक्सेंट्रिसिटी दिया है इक्वल टू कितना दिया 4/3 दिया, देयरफॉर आई कैन से दैट a इंटू 4/3 इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू कितना 6/4 ना, 6/4 नथिंग बट 3/2, ए का वैल्यू 3/2 आया एंड बी का वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू 3/2 आ गया तुम्हारा, यहाँ से बी का वैल्यू भी चाहिए तो निकाल सकते हो, बी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर अभी हमने देखा था ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 होता है, दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर 4 माइनस ए स्क्वायर, ए कितना हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर 4-9/4 सेंटर अलग है ना, सेंटर अलग है, सेंटर अलग है, तो एक्स माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर निकाला है हमने ना, ए इज 3/2, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इक्वल टू 9/4, ए स्क्वायर विल बी 9/4 माइनस वाई माइनस 4 द होल स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना निकाला हमने, बी स्क्वायर इज 7/4 इक्वल टू 1, ठीक है ना, थ्रू आउट 4 से 1/4, अगर ए 4 ऊपर चले जाएगा सबका, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 7, यहाँ पे 4 भी आएगा इक्वल टू 1, और ये 4 को उस साइड भेजोगे राइट हैंड साइड में भेजोगे तो 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन विल बी बी, ठीक है करेक्ट ही नहीं,
चलो आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ नेक्स्ट का. द इक्वेशन ऑफ कॉनिक विथ फोकस एट 1, -1 डायरेक्ट्रिक्स अलोंग एक्स माइनस वाई प्लस 1 = 0 एंड एक्सेंट्रिसिटी √2. अभी उसने देखो यहाँ पे बताया नहीं कि ये कॉनिक्स कौन सा है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए एक्सेंट्रिसिटी √2 है. √2 इज ग्रेटर देन 1, दैट मींस दिस इज एन हाइपरबोला. इक्वल टू √2 दैट इज ग्रेटर देन 1, दिस इंप्लाइज कॉनिक इज हाइपरबोला. समझा कि नहीं? कॉनिक अगर हाइपरबोला है तो हमें क्या फाइंड करना है, उसका इक्वेशन फाइंड करना है ना. इक्वेशन फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करने के लिए उसने फोकस दे दिया है. हेलो, फोकस दे दिया है ना. अच्छा ओके, फाइंड ये कॉनिक क्या हाइपरबोला है, या सिंपली तुम क्या कर सकते हो, फोकस दे दिया हुआ है. इसको हम लोग कौन से मेथड से कर सकते हैं, लोकस के मेथड से कर सकते हैं. फोकस कहाँ पे है, फोकस क्या होता है, यस 1, -1 दिया हुआ है करेक्ट. और डायरेक्ट्रिक्स दिया, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है. क्या दिया हुआ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, x - y + 1 दिया हुआ है. ओके और उसने बोला है कि फोकस दिया वन, हम कोई एक पॉइंट पी मान सकते हैं, पी x, y x1, y1 बेसिकली x1, y1 तुम कोई भी एक पॉइंट मान लो और जब डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे दिस विल बी pm बराबर ना. बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन क्या होता है, SP upon PM equal to what? E ना? SP क्या आएगा? A distance, बताओ root में x1 minus 1 का square plus y1 plus 1 का square. Correct की नहीं? Hello? Correct है की नहीं ये? Upon PM क्या आएगा? PM is nothing but the perpendicular distance D जैसा है. D का formula बताओ क्या होगा? Mod में x1 - y1 + 1 √ अरे डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, 1² + -1² होगा कि नहीं. और e का वैल्यू क्या है, 1 √2 दिया है. e इज नथिंग बट e का वैल्यू √2 दिया हुआ है. e का वैल्यू कितना दिया है, √2. इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द इक्वेशन इन एक्स एंड वाई. कर लोगे इसको, हेलो इक्वेशन कर लोगे सॉल्व, बोलो होगा कि नहीं तुमसे. इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, आई थिंक ऑप्शन सी आता है यहाँ पे. ऑप्शन सी आएगा, ठीक है मैं लिख देता हूँ खाली. ये सॉल्व कर लेना, तुम स्क्वायर करके सॉल्व करोगे ना आ जाएगा फटाक से, ऑप्शन सी आता है. आगे चले, हेलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है. ये 4, 0 and -4, 0 बी द वर्टाइसेस एंड 6, 0 and -6, 0 बी द फोकाई ऑफ हाइपरबोला, देन इट्स एक्सेंट्रिसिटी क्या होगा. वर्टाइसेस क्या है, चलो मैं फटाक से एक हाइपरबोला ड्रॉ करता हूं. वर्टाइसेस कितना दिया हुआ उसने, वर्टाइसेस 4, 0 -4, 0 एंड दिस डिस्टेंस दिस इज 6, 0 फोकाई कितना दो 6, -6, 0 दिया हुआ. देन द उसने क्या पूछा, एक्सेंट्रिसिटी क्या होगा, इस हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी क्या होगा. अरे वर्टाइसेस दिया हुआ ना a, 0 and -, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, a विल बी 4 ना डायरेक्टली, a इक्वल टू 6 डायरेक्टली. समझा, e निकालना था तो डिवाइड कर दो ना, a अपॉन a विल बी व्हाट, 6/4 इक्वल टू 3/2 सी ऑप्शन. समझ में आया कि नहीं ये, हेलो प्रीति समझ में आया ये. यस सर. ए कितना दिया, वर्टाइसेस है ना, वर्टाइसेस इज 4 उसने दे दिया, 4, 0 मतलब वो ए का वैल्यू दिया हुआ है और ए ही 6 दिया उसने और हमने डिवाइड करके ई का वैल्यू निकाल लिया एक्सेंट्रिसिटी डायरेक्टली.
चलो आगे चले। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला, इस हाइपरबोला का लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करो, होमवर्क। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है? 2b² / a ना। हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है ये बताओ? x² / 4/3 हो जाएगा ये, -y² / 4 = 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हाइपरबोला का इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। बराबर, यहाँ से तुम ये लेके आओगे, लेंथ ऑफ लेटर 2b² / a, 2b² कितना है? 4/a, a क्या है? 2/√3 है, 2 से 2 कैंसिल, 4√3, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। ओके, दिस इज अगेन, यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। इस टाइप का मतलब तुम्हारा एक्सेंट्रिसिटी निकालने के लिए जनरल इक्वेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? (5x²-4y²+20x), दिस इज इंपॉर्टेंट, (+8y-4=0)। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया इसको, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ले लिया इसको। मुझे क्या फाइंड करना है? एक्सेंट्रिसिटी फाइंड करना है ना। तो पहले इसको तो तुम्हें एक्सेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए तुम्हें a²b² का वैल्यू चाहिए। बराबर, a²b² का वैल्यू चाहिए, अगर तुम्हें वो पता चलेगा तभी तुम एक्सेंट्रिसिटी निकाल सकते हो। बट मेरे पास इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है। क्या है? मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड है। हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्वेशन शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। शॉर्टकट में दिस इज इंपॉर्टेंट, मेथड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? इंपॉर्टेंट मेथड है, तुम्हें ध्यान देना है कि कैसे करना है इसको। अभी ये हाइपरबोला, या तो तुम देखो, पहला मेथड ये होता है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, टाइम जाता है उसमें। परफेक्ट स्क्वायर बना के करोगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है? अभी तुम इस पे ध्यान से, तुम्हें ये देखना, इसमें नोटिस करने वाली चीजें हैं, कुछ चीजें नोटिस करना पड़ेगा तुम्हें। नोटिस करने वाली चीजें देखो, पहली बात इसका नहीं, पहले हम लोग डायरेक्टली इसको, इसका सेंटर कैसे निकालेंगे? सेंटर कोई बता सकता है कैसे निकालेंगे? सेंटर बोलो क्या आएगा इसका? सेंटर, फर्स्ट फाइंड सेंटर। सेंटर कैसे फाइंड करते हैं? अगर जनरल दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया हो, तो सेंटर कैसे फाइंड करते हैं? डिफ्रेंशिएट करके। हेलो, एक्स का वैल्यू बोलो क्या आएगा? x will be 10x + 20 = 0 2 आएगा, सेंटर जैसे मिल गया। अभी हाइपरबोला का इक्वेशन तुम्हारा कन्वर्ट हो रहा है, तुम्हें पता है x - h² / a² - y² / b। हाँ, अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने वाली, यहाँ पे कांस्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। क्या जो कांस्टेंट टर्म है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कांस्टेंट देखो क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट टर्म क्या है? नेगेटिव दिया हुआ है ना। हेलो, कॉन्स्टेंट टर्म नेगेटिव दिया है, दिस मीन्स दिस इज ट्रांसवर्स हाइपरबोला। क्या है? हेलो, अगर कॉन्स्टेंट नेगेटिव दिया है ना, इसका मतलब ये कौन सा हाइपरबोला है? दिस इज ट्रांसवर्स हाइपरबोला। कौन सा हाइपरबोला? ट्रांसवर्स हाइपरबोला है, क्योंकि जो ट्रांसवर्स ये कॉन्स्टेंट वाला टर्म है वो राइट हैंड साइड में चले जाएगा, और राइट हैंड साइड में चले जाएगा तो बाद में ये बराबर इक्वेशन x² - y² जैसा रहेगा कुछ, तो ठीक है, ये ट्रांसवर्स हाइपरबोला है। ये इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज है। अभी मैं एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा डायरेक्टली इस इक्वेशन से हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे इसको। मतलब कौन सा फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला x - h² + y - k² / a (2)/b² = 1। उस फॉर्म में कैसे लाएंगे देखो, इसमें सबसे
पहली नोट करने वाली चीज है इसमें, नोट करने वाली चीज क्या दिया हुआ है, वहां पे माइनस फोर दिया हुआ है था ना। तो अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये मेथड हमेशा नहीं अप्लाई होगा सिलेक्टेड क्वेश्चन में। मेरा क्या है कंडीशन वन क्या है, पहले एक्स वाले कोएफिशिएंट्स देखो, एक्स वाले कोएफिशिएंट देखो तो क्या है फाइव ट्वेंटी और माइनस फोर। एक्स वाले कोएफिशिएंट फाइव ट्वेंटी और कांस्टेंट वाला माइनस फोर है ना, तो उसको रहने दो ऐसे ही। अभी देखो क्या हो रहा है, ट्वेंटी डिवाइड हो रहा है फाइव से, ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फाइव कितना आएगा, हेलो ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फाइव कितना आएगा फोर। अभी इस फोर से ये माइनस फोर डिवाइड हो रहा है, हाँ डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। दूसरा कंडीशन क्या होगा, कंडीशन वन था कि एक्स का कोएफिशिएंट सब डिवाइड होना, दूसरा क्या होना चाहिए वाई के कोएफिशिएंट भी डिवाइड होने चाहिए। वाई का क्या है माइनस फोर है ना यहाँ पे, हेलो वाई का माइनस फोर एट और ए वाला है, और एक्स वाई में क्या ले ए और ये लेना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा देखो, वाई का क्या है एट डिवाइडेड बाय माइनस फोर कितना आएगा माइनस टू या टू आएगा, और ये डिवाइड होता है फोर डिवाइडेड बाय माइनस टू या से भी डिवाइड होता है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखूंगा। देखो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस सेंटर, सेंटर क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, हेलो अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर की एक्स का कोएफिशिएंट है ना, हेलो एक्स का कोएफिशिएंट है ना, तो एक्सचेंज कर दो, एक्स के साथ किसका कोएफिशिएंट लिखना है तुम्हें वाई वाला कोएफिशिएंट लिख देना, वाई का कोएफिशिएंट कितना है फोर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर आएगा माइनस वाई कोएफिशिएंट एक्सचेंज करना, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट चिपका रहेगा वो वाई स्क्वायर के नीचे आएगा, और जो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहेगा वो एक्स के नीचे आएगा, ठीक है, और साइन नहीं आएगा, साइन खाली उसका एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा, दैट विल बी वाई माइनस वन का स्क्वायर होगा। ये वाई माइनस वन क्यों हो रहा है, सेंटर की वजह से, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर का वैल्यू इज नथिंग बट फाइव इक्वल टू वन, दिस इज योर हाइपरबोला का इक्वेशन डायरेक्टली। हेलो समझा, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली कौन से फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो क्लोज टू स्टैंडर्ड, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा बताओ, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, वैल्यूज अगर निकालोगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है फोर, बी स्क्वायर इज फाइव, ए का वैल्यू इज टू थ्री बाय टू सॉरी रूट नाइन बाय टू, ये समझा क्या मेथड, हेलो हेलो हेलो, ये मेथड सबको समझ में आया क्या, क्या करना है, सबसे पहला क्या रहेगा तुम्हें क्या करना है, पहले सेंटर फाइंड करो, क्या फाइंड करोगे सेंटर फाइंड करोगे, सबसे पहले तुम सेंटर फाइंड करो, सेंटर फाइंड करने का मैंने शॉर्टकट मेथड बोला है, उस मेथड से सेंटर फाइंड कर लो। सेंटर फाइंड करते ही फिर तुम्हें दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, पहले देखना है कि कौन सा ट्रांसवर्स है कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, अगर माइनस दिया हो कॉन्स्टेंट टर्म नेगेटिव दिया इसका मतलब दिस इज ए ट्रांसवर्स हाइपरबोला, तो ट्रांसवर्स हाइपरबोला है ए ट्रांसवर्स हो या कॉन्जुगेट हो, सेकेंड दो कंडीशन हमें हमेशा चेक करनी पड़ेगी। तो मैंने कंडीशन वन चेक किया, ट्वेंटी को डिवाइड किया डिवाइडेड बाय फाइव किया तो क्या आया हमारा फोर आया, और फोर से कॉन्स्टेंट टर्म को डिवाइड किया मैंने तो क्या आया वन आया, मतलब डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा तो ठीक है। फिर से y के टर्म्स में भी वही देखा, एट डिवाइडेड बाय माइनस फोर माइनस टू है, और माइनस टू से मैं जब कॉन्स्टेंट टर्म को डिवाइड किया तो पूरा पूरा डिवाइड हुआ, अगर पूरा डिवाइड हुआ मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो डायरेक्टली क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, एक्स प्लस टू का स्क्वायर मतलब एक्स माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का कौन सा टर्म रहेगा वो दैट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर मैंने लिख दिया, और बी स्क्वायर क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया, वहां से एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया और डायरेक्टली आंसर आ गया। समझ में आया क्या मेथड है, यस सर, तो कर लोगे शॉर्टकट में ऐसा,
अगर आएगा, या फिर सेकंड मेथड इज उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे टाइम जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर का मेथड बता दूं क्या कैसे करना है तुम्हें? नहीं सर, सर लेक्चर स्टार्ट हो गया मेरी बहन का। हेलो, ठीक है तुम स्किप कर दो मीटिंग, ठीक है? बाकी लोगों में आज खत्म, आज हाइपरबोला खत्म कर देते हैं, ठीक है? नहीं, हेलो, हाइपरबोला आज पूरा कर देंगे। बाकी किसी को इशू नहीं है ना? नहीं सर। हाँ ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। एक क्लियर है मेथड इसका, चलो आगे चलते हैं। ओके पुनीत, पुनीत सर, ये समझ में आया ना मेथड तुम्हें? हाँ सर। ठीक है चलो, प्रीति क्लियर है ना? हेलो प्रीति सर। रोहित, रोहित समझ में आया क्या ये वाला मेथड? हाँ सर। हाँ तो ध्यान दो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, एक दो क्वेश्चंस पे वो क्लियर हो जाएगा एकदम। अगर ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड ही करना पड़ेगा, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? अच्छा ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है पहली बात तो, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल एक होता है, ये हाइपरबोला के ब्रांचेस हैं, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, ये दूसरा ब्रांच है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है ना? एक्चुअली ऑक्सिलरी सर्कल तुम्हारा इलिप्स में भी होता है और इसमें भी होगा। ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए रहता है पॉइंट और ये क्या रहता है, ए डैश रहता है ना, ए कॉमा जीरो, दिस इज फोकस एस और एस डैश। अगर इसमें ना दिस इज ओ सेंटर, सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको रेडियस मान के मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, दिस सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो दिस सर्कल इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल। क्या है? ऑक्सिलरी सर्कल, करेक्ट, ऑक्सिलरी सर्कल है। इस ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर ना, रेडियस इज ए, करेक्ट कि नहीं? हाँ, तो द आंसर इज डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए आंसर, समझा? ऐसे ही ऑक्सिलरी सर्कल इलिप्स का भी होता है, इलिप्स का भी बता देता हूँ मैं यहीं पे, दिस इज योर इलिप्स, यहाँ से ए को क्या मान के, रेडियस मान के, ओए, ओए को रेडियस मान के, जीरो कॉमा जीरो होता है, दिस इज ए कॉमा जीरो, इक्वेशन सर्कल का क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी गलत हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए, इलिप्स का इक्वेशन है। सर्कल इसका जो बनेगा ना, द सर्कल जो इसका बनता है ऑक्सिलरी, सेम वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्लियर? यस सर। आगे एक क्लियर है, एक क्लियर है, ये सब हो चुका है अपना, कुछ क्वेश्चंस और हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। अभी Thank you.
सर आपका आवाज कट रहा है। सर आपका आवाज समझ में नहीं आ रहा। आवाज सही नहीं आ रहा। हेलो सर आपका आवाज सही ओके ऑडियो प्रॉब्लम थी 44 में। फिर से बोलता हूं मैं, क्या दिया हुआ है? द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला उस कॉन्जुगेट एक्सिस दिया हुआ है। उसने कॉन्जुगेट एक्सिस कितना दिया? 5 दिया हुआ है और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 13 दे दिया है। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है? 2b होता है, तो 2b इक्वल टू 5 लिखा मैंने, ये समझा। देयरफॉर b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/2। और बी स्क्वायर निकाल लो, इक्वेशन निकालना है ना हाइपरबोला का, तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर चाहिए मुझे। तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25/4 हो गया, करेक्ट। अभी मुझे पता है, सॉरी, और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई भी 13 दिया, तो वहां से मैंने क्या निकाल लिया? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना? 2ae होता, 2ae इक्वल टू 13, दैट मींस ae इक्वल टू 13/2। अभी मुझे ये फॉर्मूला पता है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 1। हाइपरबोला के लिए ना, फॉर हाइपरबोला के लिए फॉर्मूला है और हाइपरबोला ही चल रहा है हमारा। तो बी स्क्वायर कितना हो जाए? बी स्क्वायर इक्वल टू क्या? बी स्क्वायर का वैल्यू क्या? 25/4 इक्वल टू मैंने लिखा, इसको स्प्लिट किया, मल्टीप्लाई किया, अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया बेसिकली। ए स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए 25 डिवाइडेड बाय 4 था, ये कितना होगा? 169 डिवाइडेड बाय 4, यही का वैल्यू कितना? 13 ना। तो ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से मैंने ए का वैल्यू निकाला, ए वैल्यू विल बी व्हाट? 144 डिवाइडेड बाय ओके ओके ठीक है ठीक है। हेलो, हाँ, तो ये कितना आएगा? कितना आ जाएगा ये?
तो 144 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्टली ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, इक्वेशन लिख दो ना इसका, डायरेक्टली लिख दिया मैंने इक्वेशन, ठीक है, क्लियर ना? हेलो, क्लियर है, चलो आगे चलते हैं इसके बाद। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अभी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ ई एंड ई डैश द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ टू कॉनिक्स ऑफ सेम टाइप, दोनों सेम टाइप के कॉनिक्स है, और ई एंड ई डैश कितना दिया हुआ है, सम दिया है दोनों का स्क्वायर करके 3 आएगा, ई स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर इक्वल टू 3 दिया हुआ है। अभी ये सर्कल हो सकता है, नहीं, क्योंकि सर्कल का एक्सेंट्रिसिटी क्या है, 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर विल बी 0। पैराबोला हो सकता है, नहीं पैराबोला नहीं हो सकता, क्यों सर, पैराबोला नहीं, क्योंकि पैराबोला में ई क्या होता है, 1 हो जाएगा और ई डैश भी 1 होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 होगा, 3 नहीं हो सकता। इलिप्स होगा क्या, इलिप्स भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इलिप्स में एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1 होता है, और लेस देन 1 का स्क्वायर करोगे फिर से प्लस, लेस देन 1 का स्क्वायर विल बी लेस देन 1, और फिर से दूसरा वाला एक्सेंट्रिसिटी क्या होगा, ई डैश भी लेस देन 1 होगा, तो उसको स्क्वायर करोगे और ऐड करोगे तो 3 नहीं हो सकता, किस केस में खाली 3 हो सकता है, वो हाइपरबोला के केस में 3, तो सी विल बी द, ओके ओके फाइन, क्या फाइंड करना है, द वर्टाइसेस ऑफ हाइपरबोला, इस हाइपरबोला का मुझे क्या फाइंड करना है, वर्टाइसेस फाइंड करना है। देखो वर्टाइसेस फाइंड करने के लिए एक तो सिंपल सा मेथड है कि तुम्हें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, क्या बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, या फिर दूसरा मेथड देखो मेरा, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है, इसका सेंटर फाइंड करो पहले, सेंटर, सेंटर क्या होगा, सेंटर कैसे फाइंड करेंगे बताओ, वही सेम मेथड मेरा, 9 इंटू कितना हो जाएगा, 2x माइनस 36 इक्वल टू 0, डिफरेंशिएशन मेथड, x इक्वल टू कितना आएगा 2, सिमिलरली y इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो माइनस 32y इक्वल टू माइनस 96, करेक्ट ना, हाँ तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y विल बी इक्वल टू 3 आ जाएगा, सेंटर कितना आएगा, सेंटर विल बी 2.3, अरे सेंटर 2.3 है, वर्टाइसेस फाइंड करना है, कौन सा वर्टाइसेस, व्हाट वर्टाइसेस ना, अगर ए है जैसे जो ए ए डैश है बराबर ना, वर्टाइस हमें सेंटर कितना आया 2.3, सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ए एंड ए डैश होगा ना, सिमेट्रिकल होता है ना कॉनिक्स हमारा, तो देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है जिसका मिड पॉइंट फॉर्मूला से 2.3 आए, मिड पॉइंट फॉर्मूला से 2.3 किसका आएगा बताओ, कोऑर्डिनेट्स अगर मैं फर्स्ट वाला चेक करता हूँ, 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 0, लेकिन 0 है क्या, नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन 6 माइनस 2 कितना 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 2, हाँ करेक्ट है, और 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 3, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है करेक्ट, एंड ए वाला देख लो, सी ऑप्शन देख लो, 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6 आएगा, नहीं चलेगा, ये भी नहीं है, और ये वाला ऑप्शन 3 0 0 डिवाइडेड बाय 2 फिर से 2 हो जाएगा, नहीं है चलेगा, तो मैं डायरेक्टली खाली सेंटर फाइंड करके आई कैन वेरीफाई द आंसर, बट हो सकता है इसमें मल्टीपल आंसर्स तुम्हें सेटिस्फाई करे, तो उस केस में तुम्हें उसके परफेक्ट मेथड से जाना पड़ेगा, सेंटर फाइंड करो या फिर उसका अच्छा सेंटर मैंने फाइंड कर लिया सपोज, इसका हाइपरबोला का इक्वेशन बोलो कैसे निकालेंगे, अभी मैं पीछे वाला मेथड माइनस दिया 5/2 ट्रांसवर्स है, ये कौन सा है, ट्रांसवर्स हाइपरबोला है ना, मेथड यूज करो हमारा, क्या करेंगे डिफरेंस पहले देखो, डिवाइड करो y के कोएफिशिएंट x के कोएफिशिएंट को, 36 डिवाइडेड बाय 9 यस डिवाइड होता है, कितना आएगा आंसर 4, और 4 से 254 को डिवाइड करो, दैट इज 36 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 4 एंड 252 डिवाइडेड बाय 4 आता है, ये डिवाइड होगा तो कितना आता है, 4 6 जा 24 एंड 3 जा 63 का जा रहा है, एंड x के लिए था, y के लिए देखो क्या था, y के लिए क्या होगा, y का कोएफिशिएंट 96 डिवाइडेड बाय 9 नहीं 16 है, 96 डिवाइडेड 9 6 आया, और 252 डिवाइडेड बाय 6 इससे डिवाइड करो कितना आएगा, यस डिवाइड होता है 42 आता, मतलब डिवाइड हो रहा है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इक्वेशन क्या आएगा बताओ, और सेंटर मुझे क्या पता है, x माइनस 2, x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, a स्क्वायर किसका आएगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 16 है वो, माइनस
a square लिखना है तो मतलब y square का coefficient लिखना है, और मुझे अगर b square का value लिखना है that be coefficient of x square 9 equal to 1, ये तुम्हारा हो जाएगा बराबर। अभी देख लो a का value कितना आएगा, यहाँ से a will be 4, b will be 3, vertices क्या होंगे तुम्हारे बताओ, plus minus 4, 0, हेलो नहीं नहीं प्लस माइनस 4, 0 डायरेक्टली नहीं, सेंटर से शिफ्ट भी हुआ रहेगा ना, तो प्लस माइनस 2 एडजस्ट भी करना रहेगा तुम्हें, करेक्ट ना। हेलो वर्टाइसेस विल बी कैपिटल एक्स इक्वल टू ए होगा कि नहीं, हेलो वर्टाइसेस अकॉर्ड कैपिटल एक्स इक्वल टू ए होगा एंड कैपिटल वाई इक्वल टू बी होगा वर्टाइसेस, तो ये ध्यान देना ऐसे आएगा, तो ऐसे भी कर सकते हो तुम, कर लेना यार। लेटेस्ट रेक्टम को फॉर्मूला फाइंड करने के लिए क्या, इसको भी वही करोगे, होमवर्क है ये, चलो होमवर्क ले लो, जो मेथड मैंने बताया था उस मेथड से करना है इसको भी। माइनस 16 दिया मतलब कौन सा है, ट्रांसवर्स हाइपरबोला है, ओके। अभी ये दो हाइपरबोला दिया हुआ है, ई एंड ई डैश आर एक्सेंट्रिसिटीज ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला, देन ई इनटू ई डैश फाइंड कर सकते हो, वन आंसर आता है इसका, होमवर्क मार्क करो ये भी, ओके। ये सब क्वेश्चंस हो गए हैं, मुझे कुछ और नोट बताना था बट अभी क्या बोलूं मैं, इसका आंसर तुम भी सोच सकते हो, देखो ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा k लेस देन 8, ए k लेस देन 8 होगा तो हाइपरबोला होगा क्या, हेलो k लेस देन 8 होगा तो हाइपरबोला होगा क्या, एक काम करते हैं, हेलो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है द इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स व्हाट, हाइपरबोला इलिप्स पैरा, देखो हाइपरबोला इफ k लेस देन 8, अगर k लेस देन 8 हो जाएगा, k लेस देन 8 हो जाएगा तो तुम्हारा k लेस देन 8 हो जाएगा तो दैट मींस ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगा, y स्क्वायर के नीचे का टर्म plus y square divided by 8 minus k equal to 1, for पहला option k less than 1 हो जाएगा, k less than sorry 8 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, k less than 8 आ जाएगा तो क्या होगा, ये positive हो जाएगा कि नहीं, positive हो जाएगा, अगर ये positive होगा तो hyperbola का equation रहेगा क्या, नहीं ellipse का equation बन जाएगा, बराबर कि नहीं, yes sir, वो प्लस ही रहा, हाइपरबोला के इक्वेशन के लिए इलिप्स ए माइनस होना चाहिए तो ये प्लस हो जाए, तो ये ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन देखो, इलिप्स इफ के ग्रेटर देन 8, के ग्रेटर देन 8 लेंगे तो इलिप्स बनेगा क्या, के ग्रेटर देन 8 हो जाए वाला क्वांटिटी माइनस हो जाएगा, के ग्रेटर देन 8 माइनस के नेगेटिव, मतलब केस में वो हाइपरबोला बनना चाहिए बराबर, तो ए भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन क्या, हाइपरबोला इफ के बिटवीन ए वाला ना इतना नेटो बड़ा हो गया, सब वैल्यू 12 हो गया, तो उस केस में भी वो इलिप्स नहीं बन पाएगा, सॉरी हाइपरबोला नहीं बन पाएगा, ग्रेटर देन 8 होगा तो हाइपरबोला बंद हुआ ऐसा कुछ मुझे लगा, नहीं ठीक है फाइन है, 8 माइनस के विल बी नेगेटिव हो जाएगा बराबर, एंड 12 माइनस के क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, मींस एक्स स्क्वायर अपॉन पॉजिटिव माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे अगर नेगेटिव था ये भी पॉजिटिव था ये नेगेटिव था इक्वल टू 1, ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा, लेकिन ये नेगेटिव उठ के इसको नेगेटिव बना देगा तो किसका इक्वेशन बनेगा, ये हाइपरबोला का इक्वेशन बन जाएगा, क्लियर कि नहीं, यस सर समझा, तो ये दिस ऑप्शन विल बी सी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, इफ द एक्सेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोला बी वन इक्वल टू 1 बी ई एंड ई 1 देन 1 अपॉन ई स्क्वायर एंड, ये हाइपरबोलास ना, अभी मैंने चलो दूसरे वाले हाइपरबोला का भी डिस्कशन कर लेते हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला नथिंग बट, कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, एक हाइपरबोला और होता है, कॉन्जुगेट भी सेम वैसे ही रहते हैं,
खाली उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा तुम्हारा वाई एक्सिस, नहीं एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो बोथ होता है बेसिकली हाइपरबोला में, बट उसका जो ये ब्रांचेस रहते हैं ना बेसिकली एक्स वाई एक्सिस पे आते हैं, वाई एक्सिस को कट करते हैं पेन से। ए कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, दिस विल बी बी, ए बी डैश है, कॉन्जुगेट हाइपर सॉरी कॉन्जुगेट हाइपरबोला लिख लेते हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला इसका इक्वेशन आता है तुम्हारा, इसका इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वन। हमारा ट्रांसवर्स हाइपरबोला में क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर था ना, यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर पहले आता, माइनस किसके साथ जा रहा है, एक्स के साथ जा रहा है ना, हेलो एक्स के साथ जा रहा है ना माइनस, तो दिस विल बी योर कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्यों बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट द कॉन्जुगेट ऑफ अपना ट्रांसवर्स का, तो इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा, दिस विल बी ट्रांसवर्स एक्सिस, हेलो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। बीबी डैश क्या होगा तुम्हारा ट्रांसवर्स एक्सिस, बीबी डैश दिस बीबी डैश एंड दिस विल बी कॉन्जुगेट एक्सिस, यहाँ पे कहीं पे ए रहेगा एक जगह और यहाँ पे रहेगा ए डैश, ए कॉन्जुगेट एक्सिस रहेगा तुम्हारा। डायरेक्ट क्राइसिस कैसे रहेंगे, एक यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा डायरेक्ट क्राइसिस, बराबर ना, सेंटर ए रहेगा जीरो कॉमा जीरो, ए के कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा जीरो, ए डैश के कोऑर्डिनेट्स जीरो कॉमा सॉरी ए माइनस ए कॉमा जीरो, ये सब सेम रहेंगे, बी के कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा बी, दिस बी डैश के कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा माइनस बी, ये सब फिक्स्ड है, ये सब चेंज नहीं होगा, खाली एक्सिस चेंज हो गया तुम्हारा, ट्रांसवर्स एक्सिस अभी कौन सा हो गया, बीबी डैश, ये बीबी डैश इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सिस, कौन सा है ट्रांसवर्स एक्सिस। एंड वन सेक कॉन्जुगेट एक्सिस इस केस में, ठीक है ना, इस हाइपरबोला के लिए, ओके क्लियर है ये, हेलो ये क्लियर है, तो बीबी डैश और ए डैश होगा और हाइपरबोला का इक्वेशन क्लियर है हमें, और बाकी डायरेक्ट क्राइसिस वो सब निकाल सकते हो तुम। डायरेक्ट क्राइसिस क्या होगा, ये वाई इक्वल टू बी बाई, बराबर ना, और ये नीचे वाला वाई इक्वल टू माइनस बी बाई हो जाएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ इम्पोर्टेंट चीज है इसमें अगेन एक्सेंट्रिसिटी, रिलेशन बिटवीन जो इम्पोर्टेंट वो डिफरेंस है वो बता देता है, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई क्या होगा, रिलेशन तीनों के बीच में, रिलेशन ए बी और ई के बीच में रिलेशन, ये तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, यहाँ पे भी सेम होता है, ए यहाँ पे तुम्हें ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, समझ में आया क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, एंड एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ई इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में बी आएगा, वहां पे क्या था ए था ना, यहाँ पे बी आएगा, क्लियर, हेलो समझ में आया क्या पुनीत, क्लियर है ये, हेलो पुनीत आवाज आ रही है कि मेरी, सर आ रही है आवाज सर, ओके क्लियर है ना ये रिलेशन ए बी ई और फॉर्मूले कैसे, ई का भी फॉर्मूला क्लियर है ना तुम्हें, बस इसके बाद ये होमवर्क मैं मार्क कर देता हूँ, ये दिस इज कुछ नहीं है, फिर ये क्वेश्चन में एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे डायरेक्टली, ये सॉल्व एग्जाम सॉल्व नहीं है सॉरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अगर तुम देखोगे यहाँ से ई इक्वल टू क्या होगा, पहला कौन सा है ट्रांसवर्स हाइपरबोला, ट्रांसवर्स हाइपरबोला के ई का फॉर्मूला कितना आता है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आता है, और ई डैश ई वन क्या हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी आएगा, स्क्वायर करके ऐड करोगे, देयरफॉर वन अपॉन ई स्क्वायर प्लस वन अपॉन ई वन स्क्वायर, अगर इन दोनों को ऐड करोगे स्क्वायर करके, दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, तो आंसर विल बी वन, ठीक है, ऑप्शन विल बी ए, कर लोगो, हेलो, कर लेना इसको। अच्छा इसका फोकस क्या होगा इस साइड पर, कॉन्जुगेट हाइपर बोला का बताओ, जीरो कॉमा माइनस बी एंड ऊपर दिस इज एस डैश और एस विल बी क्या, जीरो कॉमा बी हो जाएगा बराबर। तो ये तुम्हारा फोकस भी हो गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा बताओ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एक लगाया वो लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओ क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, हेलो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू टू बी स्क्वायर अपॉन ए, ये सेम रहता है, नहीं टू ए स्क्वायर अपॉन बी हो जाएगा, ये भी चेंज होगा ना, टू ए स्क्वायर अपॉन बी होगा, क्लियर है ये, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, दो तीन क्वेश्चंस और बचे हैं, कर लेते हैं उनको भी। सॉल्यूशन देखो, ओके फाइन, दिस इज अगेन नया एक नोट है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का भी नोट देख लेते हैं क्या होता है। नोट देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ए इक्वल टू बी होता है, क्या होता है, ओके ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है, ए इक्वल टू बी होता है और इक्वल टू रूट टू होता है, एक्सेंट्रिसिटी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होती है, रूट टू होती है, बस इतना ही याद रखना है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इसमें होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज नथिंग बट सेम एज ट्रांसवर्स हाइपरबोला जिसमें ए इक्वल टू बी होता है और ए इक्वल टू बी के वजह से ई इक्वल टू कितना आता है, रूट टू आ जाता है, एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना आता है, रूट टू आ जाता है, बस इतना ही याद रखना है, क्लियर, हेलो क्लियर है ना ये, तो देख लेते हैं इसका फॉर्मूला फटाफट देख लेते हैं क्या आएगा, क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्टर एक्सिस ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज 10 यूनिट्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिस्टेंस बिटवीन क्या दिया हुआ, डायरेक्टर एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्टर एक्सिस क्या होता है, 2 डायरेक्टर एक्सिस के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, 2a / e ना, 2a / e इक्वल टू कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है, करेक्ट, और उसने पूछा क्या, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फोकाई के 2a इक्वल टू व्हाट, उसने पूछा 2a इक्वल टू व्हाट, अभी यहां से मैंने मुझे पता है देयरफॉर 2a e का वैल्यू मुझे पता है रूट टू होगा, करेक्ट कि नहीं, तो ये 10 हो जाएगा, देयरफॉर 2a विल बी 10 रूट टू, और 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 2a इक्वल टू 2a इंटू e, 2a का वैल्यू कितना, 10 रूट टू और e का वैल्यू रूट टू है, दैट इज 10 इंटू 2 20 यूनिट्स, ऑप्शन विल बी डी, समझ में आया ये पुनीत, पीयूष क्लियर है ये, हेलो पुनीत एंड पीयूष क्लियर है ये, यस सर एकदम क्लियर है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए याद रखना तुम्हें a इक्वल टू b होता है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस एंड e का वैल्यू रूट टू आ जाता है, तो ऑप्शन हम लोग लिखा लेंगे तो d आएगा, या फिर तुम्हें कभी भी बोलता है कि एक हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी इज रूट टू, देन दैट हाइपरबोला विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो a इक्वल टू b डायरेक्टली ले लेना है वहां पे, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकाई ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर 1 इज वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ सर्कल, देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल एक हाइपर लाइन ज्वाइनिंग द फोकाई ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला जांच कैसा हुआ है, सी दिस इज नॉट स्टैंडर्ड है बट एक कौन सा हाइपरबोला उसको पहचानना हुआ है ना, अभी क्या करना पड़ेगा, देखो इसको लिखो x square minus y square will be what minus one होगा, अरे ये तो नहीं चलेगा, राइट
लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन. दिस इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला. कितना आएगा इसका? हेलो, ए विल बी व्हाट? ए विल बी वन, ए स्क्वायर टू वन, देयरफॉर ए इक्वल टू वन, बी स्क्वायर इक्वल टू वन. रुको रुको रुको, इफ उसने पूछा क्या है, इफ वन ऑफ द डायमीटर्स ना, फोकाई, फोकाई का जो है वो फोकाई डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या है, लेंथ डायमीटर होगा, करेक्ट ही नहीं. लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकाई ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, बिटवीन फोकाई विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ डायमीटर, करेक्ट ही नहीं, यही दिया हुआ है ना उसने. ओके, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है, टू ए इक्वल टू लेंथ ऑफ डायमीटर. चलो ये निकाल लेते हैं, डायमीटर कितना आएगा, टू ए कितना आएगा, टू ए का वैल्यू कितना है, वन, ई का वैल्यू कितना होता है, रूट टू होता है ना इसमें. हेलो, दिस इज लाइक रेक्टेंगुलर हाइपो, लेंथ ऑफ डायमीटर, डायमीटर कितना हो जाएगा, टू रूट टू, देयर फॉर रेडियस विल बी वॉट, रेडियस इक्वल टू रूट टू, रेडियस डायमीटर डिवाइडेड बाय टू, दैट इज रूट टू आ जाएगा. एंड इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे आएगा, सेंटर ऑफ हाइपरबोला, सेंटर विल बी सेंटर ऑफ हाइपरबोला, और सेंटर ऑफ हाइपरबोला कितना है, जीरो कॉमा जीरो है, तो सेंटर दोनों का सेम रहेगा, देयर फॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर विल बी टू, करेक्ट, ऑप्शन विल बी सी. समझ में आया? हेलो पीयूष, क्लियर है ये? अमित, क्लियर है ये कि नहीं? हेलो, ई का ई रूट टू मैंने कैसे लिखा, ए इक्वल टू बी है ना, उसके वजह से वो रूट टू आएगा. यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये रूट टू क्यों आया है, सिंस ए इक्वल टू बी है, दिस इंप्लाइज ई इक्वल टू रूट टू, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, करेक्ट, ठीक है, तो इक्वल टू रूट टू आ जाएगा, तो लेंथ ऑफ डायमीटर विल बी टू रूट टू, रेडियस विल बी रूट टू, जस्ट क्लियर. चलो आगे चलते हैं, ये टेक्स्ट बुक का सॉल्व है, होमवर्क कर लेना इसको. हेलो, ये टेक्स्ट बुक का सॉल्व है, फोकाई ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला कोइंसाइड इन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, देख लेते हैं नहीं तो फटाक से इसको. इलिप्स का फोकाई क्या होता है, इलिप्स का फोकाई क्या होता है, ए कॉमा जीरो ना, तो इस इलिप्स ए कॉमा जीरो होता है ना इलिप्स का फोकाई. हेलो, और इस हाइपरबोला का फोकाई क्या होता है, वो भी ए कॉमा जीरो होता है, तो इसमें इसका फाइंड करते हैं, फोकाई फाइंड करो, ए कितना आ जाएगा. देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हाइपरबोला है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट करूंगा तो देखोगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू इज नथिंग बट 25, 144 अपॉन 25 आएगा, एंड बी स्क्वायर का वैल्यू इज 81 अपॉन 25 है. हेलो, ये समझा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो ना राइट हैंड साइड में 1 अपॉन 25 है, तो 25 से जब मल्टीप्लाई करो 25x स्क्वायर अपॉन 144 माइनस 25y स्क्वायर अपॉन 81 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 25 ऊपर से एकदम नीचे आ जाएगा. ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू मिलाना है, ए का वैल्यू क्या आएगा, सी हमें पता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो आई कैन से दैट दिस इज फॉर हाइपरबोला. तो बी स्क्वायर, अभी वैल्यूज मत पुट करो, बी स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमें ए स्क्वायर ई स्क्वायर चाहिए, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा. ए स्क्वायर कितना है, 144 अपॉन 25, एंड बी स्क्वायर इज नथिंग बट 81 अपॉन 25, ये 225 होता है ना ऐड करने पे, अपॉन 25, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज 225, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए विल बी व्हाट, 15 अपॉन 5 ना स्क्वायर रूट लेने पे,
करेक्ट ही नहीं, ए विल बी थ्री, ए थ्री कॉमा जीरो होगा। किसका ये निकला? हेलो, किससे निकाला मैंने ए थ्री कॉमा जीरो? हाइपरबोला का। और इलिप्स का भी वही है। सो आई कैन से दैट फॉर इलिप्स ए इक्वल टू थ्री, करेक्ट ना, ए इक्वल टू थ्री। और हमें क्या निकालना है? बी स्क्वायर ना। तो बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर होता है। तो बी स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर, रुको थोड़ा सा कम, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर कितना है? 16 है। ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना है इलिप्स के लिए? 3। 3 का स्क्वायर विल बी 9। तो बी स्क्वायर विल बी 7। बी स्क्वायर विल बी 7। बी स्क्वायर का वैल्यू ही पूछा था, सी, ऑप्शन सी आएगा। ये टेक्स्ट बुक में सॉल्व है, नहीं सॉल्व नहीं, सॉरी, टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में है, तो वो देख लेना, 11th का टेक्स्ट बुक। ओके ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल है। दिस हैज नथिंग टू डू विथ हाइपरबोला पैराबोला, से कुछ नहीं लेना देना। उसने क्या बोला है? द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्टेड बाय द हाइपरबोला, लेंथ पूछा है लाइन का। तो हम क्या करते हैं लेंथ इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए? कहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वो चेक करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, क्या दिया है? एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू वन, और क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू वन दिया हुआ, करेक्ट। अभी क्या करेंगे? एकदम सिंपल सा है, यहाँ पे एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो। एक्स इक्वल टू क्या आएगा? थ्री वाई प्लस वन। थ्री वाई प्लस वन सब्स्टिट्यूट करो इधर एक्स की जगह पे, ये थ्री वाई प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाएगा। दैट विल बी नाइन वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस वन माइनस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, करेक्ट ना। दैट विल बी फाइव वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, करेक्ट। फैक्टर क्या आएगा इसका? कुछ तो गलत हो गया इसमें, कुछ तो गलत है, बताओ क्या गलत है इसमें? इक्वेशन में कुछ तो गलत लग रहा है मुझे। माइनस वन होगा सर। क्यों माइनस वन क्यों होगा? ओके नहीं, इसका स्क्वायर, अच्छा माइनस वन मैं मिस कर दिया हूँ ना। हाँ माइनस वन मैंने मिस किया है एक्चुअली। माइनस वन वन कैंसिल कर देना चाहिए था इधर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं लिखता हूँ। ये जीरो नहीं है, ये वन है राइट हैंड साइड में। ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा, बराबर। वन से वन अगर कैंसिल हो जाएगा तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो, करेक्ट। तो यहाँ से वाई इक्वल टू जीरो, और वाई इक्वल टू कितना आएगा? माइनस सिक्स बाय फाइव, समझा। तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा? एक्स विल बी व्हाट? एक्स विल बी जीरो, नहीं जीरो नहीं आएगा। वाई का वैल्यू निकालो ना, एक्स विल बी व्हाट? वैल्यू वन सर, और एक्स की वैल्यू, एक्स विल बी वन, यस। एक्स वाई इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक्स इक्वल टू वन आएगा, और x इक्वल टू माइनस सिक्स बाय फाइव सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस एटीन प्लस फाइव दैट इज थर्टीन, थर्टीन डिवाइडेड बाय फाइव आएगा, करेक्ट ना? माइनस आएगा सर, माइनस माइनस, यस माइनस थर्टीन बाय फाइव, करेक्ट। अभी इंटरसेप्ट चाहिए, मतलब तुम्हारा एक पॉइंट क्या हो जाएगा? वन कॉमा जीरो हो जाएगा, और बी पॉइंट क्या हो जाएगा अगर दो जगह इंटरसेप्ट? माइनस थर्टीन कॉमा जीरो हो जाएगा, करेक्ट। Therefore, length AB कितना हो जाएगा? रूट में वन प्लस थर्टीन बाय फाइव का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जीरो कहाँ से? जीरो थोड़े होगा, माइनस सिक्स बाय फाइव होगा ना? Yes, sir. हाँ, तो ये अगर जीरो तो ये हो जाएगा सिक्स बाय फाइव का होल स्क्वायर, करेक्ट कि नहीं? तो ये अगर इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, ये 18 हो जाए, 18 का स्क्वायर 324 होता है डिवाइडेड बाय 25 प्लस 36 डिवाइडेड बाय कुछ तो मिस हुआ आएगा, नहीं 36 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 25 ना, यस। तो ये टोटल सम कितना हो जाएगा? रूट 360 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 25। 360 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 36 इंटू 10 ना, 36 का रूट कितना हो जाएगा? 6। 25 का और ये रूट 10 यहाँ पे आ जाएगा, बराबर ना? 6 बाय 5 रूट 10 यूनिट्स, डी ऑप्शन।
क्लियर? यस सर। समझ में आया ना ये? ठीक है, तो विद दिस तुम्हारा आई थिंक इलिप्स, ठीक है, कॉनिक्स खत्म होता है यहाँ पे तुम्हारा। आई थिंक मैंने ट्राई किया पूरा चीजें कवर करने के लिए, सब कुछ लगभग कवर कर लिया। अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जस्ट 11th का टेक्स्ट बुक सॉल्व करना है, और ये जितने प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है ना ये क्लास वर्क का, उतना कर लो, सफिशियंट है। उसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट देते हो ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली क्वेश्चन 11 के टेक्स्ट बुक से आते हैं, तो ध्यान रखना उसका, ठीक है ना। प्लस ये इतना करके जाओगे, दैट इज मोर देन सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट है, ठीक है, 11th के लिए। तो 11th का टॉपिक इतना डीप नहीं आएगा। चलो भाई, इधर ही वाइंड अप करते हैं। ओके बाय।